Hello everyone, welcome to DuoTap. So welcome to today's session which we are conducting on SEBI 500 based MCQs on SEBI current affairs. So हाँ, specifically आपके SEBI grade A के current affairs हम यहाँ पे आपके साथ discuss कर रहे हैं. Already दो sessions हो चुके हैं. So we have already covered the finance related current affairs and today I will be discussing with you the next part of our general current affairs. जी हाँ, तो firstly we covered the important current affairs which were regarding the finance for SEBI and now we will be covering catering the general current affairs. तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हम जनवरी से लेके दिसंबर और थोड़े से नवंबर के भी क्वेश्चंस, राइट? तो बांधिए आज की अपनी गाड़ी को, ठीक है? तो लगाइए, शुरू करें. और उससे पहले एक बहुत ही जरूर बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे लास्ट वीडियो के गुडी के विनर. तो फर्स्टली वी हैव टू यू नो टेल यू हु इज द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियोस गुडी. अलोंग विद दैट आई विल आल्सो बी शोइंग यू कि गुडीज क्या क्या थी और उसके साथ साथ आज भी फ्री गुडी इनसाइड है. तो आज भी कुछ तो गिफ्ट मिलने वाले, देखो इतनी मेहनत सारे कर रहे हैं, राइट? सो व्हाई नॉट गिव यू अ स्पेशल हैम्पर, अ गिफ्ट दैट विल बी देयर फॉर योर डेडिकेशन, राइट? सो फर्स्टली लेट मी शो यू व्हाट यस्टरडेज विनर हैज वन. सो एक तो 1000 रुपीज का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर, राइट? सेकेंडली एडियोटैप की डायरी, नोट्स बनाइए उसमें, ठीक है? एंड ऑल्सो एन एडियोटैप स्पेशल कप. So these three gifts will be there specially for the winner of yesterday's goodie winner, right? तो देखते हैं कौन है हमारे विनर. तो गौरव टिक चंदी को ही विनर को हमारा गुडी मिला है. सो ही इज द विनर, राइट? तो गौरव आपको क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है अपनी लास्ट वीडियो के चैट बॉक्स में से एंड आपको हमें मेल करना है hello@radiotap.co.in. नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको हमारी तरफ से रिवर्ट आ जाएगा, राइट? सो यू विल बी रिसीविंग अ मग, अ डायरी एंड 1000 रुपीज अमेजोन गिफ्ट वाउचर, राइट? सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग नीरज, गौरव, निलेश, नीरज, लोकेश, संजना, अंशु, एवरीवन वेरी गुड इवनिंग. तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर वेट करते, थोड़े लोग और आ जाएंगे, राइट? शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जोश को हाई रखना, ठीक है? सारे यहाँ पर क्या सेबी को फोड़ने आए, ठीक है? तो करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे. देखिए करंट अफेयर्स इज सच अ टॉपिक, यू कैन जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड मार्क योर आंसर इफ यू नो इट राइट ओवर देयर. कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, आता है या नहीं आता है बात खत्म होती है, ठीक है? तो इसी तरीके से आज के सेशन को भी लेके चलेंगे. रिविजन है, आपको एक छोटी सी टिप देता हूं, जितनी गलतियां हो सकती है ना करके दिखाइए आज, जितनी गलतियां हो सकती हैं कीजिए. हर 20 क्वेश्चंस के बाद खुद को एनालाइज करेंगे हम कि हमने कितने आंसर्स ठीक किए, कितने गलत किए. एंड प्लीज प्लीज अगर गलत होते हैं क्वेश्चंस तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूंगा वो आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी इफ यू मार्क योर आंसर्स रॉन्ग ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज व्हाइल यू विल बी अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन यू विल बी नोइंग, अरे ये तो मैंने गलत किया था, इस बार तो सही करके आना है, ठीक है? तो इसी पॉजिटिविटी के साथ अभी का सेशन लेंगे हम, अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे. तो चलिए शुरू करें आज का सेशन. बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, इंपॉर्टेंट वीडियोस आते हैं कभी कभी, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो नोटिफिकेशन आ जाती है, इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस नहीं होता है. पिक्चर क्वालिटी इज नॉट गुड, ओके? तो देखते हैं इसको. उसके साथ थैंक यू टू एंटायर एडिटैप टीम, यस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू यू एज वेल. तो आज का पहला क्वेश्चन, Geographical Indications Registry has received application seeking GI tag for two famous products, Kumbakonam Vitralai and Thuvalai Manika, from which state? तो कौन सी स्टेट से अभी रिसेंटली अप्लाई किया गया है इनके GI tag के लिए? क्या चीजें हैं दोनों? एक वित्रलई है और एक मनिका है, ठीक है? तो बताइए क्या है इसका सही जवाब. क्वेश्चन नंबर 151, मार्क योर आंसर्स प्लीज. सो केरला आंसर आ रहा है मेरे को, ठीक है? द राइट आंसर इज तमिलनाडु, ओके? सो ऑप्शन ई सभी ने मार्क किया है, केरला इज नॉट द राइट आंसर, राइट? ऑप्शन ई, ऑप्शन फिफ्थ, तमिलनाडु इज द राइट आंसर. तो जो कुंभकर्ण वित्रलई है वो ये पत्ते हैं, ठीक है? और ये डेकोरेशन का मटेरियल यूज होता है, स्पेशली इसी गांव में बनता है वो, तो इसका नाम है थोवलई मनिका, ठीक है जी? चलिए आगे देखें फिर. व्हिच फिनटेक स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड एन इंटरिम फाइनेंस हेल्थकेयर फोकस्ड फंड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स. तो किसके बारे में हो रही है? एक फाइनेंस हेल्थ केयर फोकस्ड फंड है. तो किसने लॉन्च किया है? ग्रोन है, स्ट्रीम ने, लीगल पे, स्नैक पास या काजू? तो देखिए फाइनेंस रिलेटेड है, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड एक फंड है, तो किसने लॉन्च किया है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता होगा तो आपको सीधा आंसर मार्क हो जाएगा. तो ऑप्शंस में आंसर आ रहे हैं ग्रो 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 ए आ रहा है आंसर. सो द राइट आंसर इज लीगल पे. तो लीगल पे ने लॉन्च किया है. देखिए
ठीक है, तो याद रखना है लीगल पैनल आया है हेल्थ केयर फंड, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टेकन अप द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2022, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप अभी किसने ली है? ऑप्शंस क्या है? इंडिया, ब्राजील, चाइना, रशिया या साउथ अफ्रीका? द राइट आंसर चाइना, वेरी गुड। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज लॉन्च्ड मनु ओरु मना बादी प्रोग्राम? तो इसमें से कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है आपका मनु बोरु मनुवादी प्रोग्राम? फ्रेंड्स गिव मी जस्ट टू सेकंड्स, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द लेंस, जस्ट गिव मी टू सेकंड्स, राइट। स्क्रीन क्लैरिटी कम है, नाउ इट लुक्स बेटर गाइस, डू लेट मी नो इफ द क्लैरिटी इज बेटर नाउ। क्या क्लैरिटी ठीक है स्क्रीन की? ओके, सो ऑल क्लियर, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसमेंटल्ड द रैंसमवेयर ग्रुप रेविल एट रिक्वेस्ट ऑफ यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज? सो जस्ट सेकंड, आई थिंक ये वाला आंसर मिस हो गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना, ठीक है। तो मना ओरु मना बेदी प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, Which of the following countries has dismantled the ransomware group Revil? तो क्वेश्चन क्या है Revil के बारे में, ठीक है, ransomware group। अब ransomware क्या होता है, उम्मीद करता हूं आपको पता है। ransom, ransom कहते हैं ना कि हमें किसी चीज के बदले में पैसे चाहिए। तो एक हमारा ransomware एक तरीके का एक वायरस होता है, तो किसने पकड़ा है अभी? द राइट आंसर इज रशिया, रशिया है जी, राइट आंसर, याद रखना, ठीक है। ransomware, रशिया, Revil, ये तीन वर्ड आर से याद रख लो। चलिए आगे चले, 156, which country has passed a bill to replace its capital with East Kalimantan? क्या ऑप्शंस हैं? मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ गिनिया, इंडोनेशिया या मेडागास्कर? क्वेश्चन 156, द राइट आंसर इज, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। तो इनकी जो कैपिटल थी जकार्ता, याद रखना इसको, जकार्ता इनकी करंट कैपिटल थी। It was sinking, right? डूब रही थी, तो इसके लिए इन्होंने इसको चेंज करके कर दिया है अब ईस्ट कलिमंटन, ये बन जाएगी थोड़े टाइम में, राइट। चलिए नेक्स्ट, The Enigma was in use, it is what? ऑप्शंस क्या है? लार्जेस्ट कट ब्लैक डायमंड, नेम ऑफ अ न्यू प्लैनेट, न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, न्यू एस्टेरॉइड या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 157 गाइस, चलो थोड़ा 157 का आंसर दो यहां पे, 157 का ब्लैक डायमंड, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बहुत सही, बहुत सही। चलिए आगे देखें फिर, विच बैंक हैज क्रॉस्ड 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स इन 3 इयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस? तो 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स सिर्फ 3 साल के अंदर कौन से बैंक के आए हैं अभी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक या जियो पेमेंट्स बैंक? सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 158 गाइस, ओके, सो इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 159, The Reserve Bank of India has imposed penalties on Dash Cooperative Banks for deficiencies in their regulatory compliances. क्या options हैं? 5, 6, 8, 11 या 12? तो recently देखो, even though we have seen that RBI keeps on putting penalties on banks, what we have to remember is, which month are we talking about? We are talking about January 2022. Cooperative banks specially mentioned है यहाँ पे, right? And regulatory compliances के लिए mostly fines इसी के लिए लगते हैं, but cooperative banks, that should be your first highlight, and second highlight would be the month. The right answer for this question is 8. ठीक है? Next question, which bank has partnered with Bangalore based Mequin Technologies to provide solar powered pumps sets for farmers using bank finance? Right? So आपके options हैं, mark your correct answer. So the correct answer for question number 160, KVGB, बिल्कुल सही जवाब है, KVGB is the right answer, very good guys, ऐसी एनर्जी रखो, एकदम सही जवाब जाते रहेंगे, ठीक है। 10 questions already हमने cover कर लिए हैं, so 10 में से अभी तक तो मेरे according बहुत लोगों के 10 में से 10 की streak चल रही है, ठीक है। याद रखने हर 20-20 question के बाद आपके कितने marks आ रहे हैं, उनको calculate करेंगे, ठीक है। चलिए 161, RBL Bank has collaborated with which organization to enhance its customer experience strategy? तो कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने अभी पार्टनर किया है, आरबीएल बैंक ने पार्टनर किया है किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल या अमेज़न?
आई एम अमेज्ड इतनी जल्दी इतने सही आंसर. गूगल इज द राइट आंसर. इसी के साथ क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, गूगल के साथ अभी कौन से बैंक ने पार्टनर किया है टू एनहांस इट्स कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी. आंसर वुड बी आरबीएल बैंक. ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर को याद रख के चलना चाहिए हमें. ठीक है, स्पीड स्लो कर लो. ठीक है, स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं. तो विच कंपनी हैज अनवील्ड इट्स न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर नेम्ड एआई रिसर्च क्लस्टर. एआई रिसर्च क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ये हमारे सुपर कंप्यूटर का नाम है जो नया आया है. राइट, ऑप्शंस क्या है, अमेज़न, आईबीएम, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट. गाइस अ स्मॉल जस्ट एक छोटी सी बात करनी है. कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको भी डिस्कस करना होगा डेफिनेटली उस पर हम टाइम लगाएंगे. जिन क्वेश्चन में से डायरेक्टली वी कैन पिकअप द कीवर्ड्स एंड मार्क द आंसर्स we'll try and go a little faster in those questions, right? So question number 162, the right answer is Meta. Meta recently renamed from Facebook. ठीक है, चलिए. तो इस अरे इसमें कुछ लोगों का आंसर 2 क्यों आ रहा है, IBM नहीं, the right answer is Meta. ठीक है, अभी recently news में था Facebook को rename किया Meta में, और उसने अभी recently अपना largest super computer के बारे में बताया है जिसका नाम है AI research super cluster. याद रखना इसको. ठीक है, next 163. Which country along with India has undertaken international passage exercise PASEX at the port of Cochin in the Arabian Sea? Now some of you will say ki PASEX exercises to hoti rehti hain. Again I will tell you, remember which month are we talking about and which place are we talking about. With this you should be able to remember or mark your right answer. The right answer is okay, Russia. Okay, तो बिल्कुल सही जवाब है, रशिया इज द राइट आंसर. ठीक है, तो रशिया इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 164. ऑपरेशन सरधवा हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिलिट्री फोर्स. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिंट. जो सरधवा ऑपरेशन सरधवा थी, जैसलमेर राजस्थान में के लिए स्पेसिफिकली आया था. ठीक है, दी ऑप्शंस वर सीआरपीएफ, एसएसबी, आईएएफ, बीएसएफ या सीआईएसएफ. द राइट आंसर इज बीएसएफ. वेरी गुड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. राइट, चलिए. उत्तम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज ए और एन एयर टू एयर मिसाइल, अ लॉन्ग रेंज गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या एडवांस्ड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन. सो क्वेश्चन नंबर 165, मार्क योर राइट आंसर. क्या बात है, इसमें टाइम लग रहा है आंसर करने में. तो उत्तम जो डीआरडीओ ने अभी भी बनाया है वो क्या है, एक एयर टू एयर मिसाइल है, अ लॉन्ग रेंज ह्यूमन गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है, या फिर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, या एडवांस प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन. द राइट आंसर इज अरे रडार. वेरी गुड. ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हैं, डीआरडीओ अरे, डीआरडीओ अरे. उत्तम, क्या बात है. ठीक है, आई मीन बहुत सिंपल सी ट्रिक, मतलब ठीक है, बट याद कर लो इसको ऐसे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग रेंज गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब डिजाइंड by DRDO. Again, तो इनमें से long range guided glide bomb designed by DRDO. Guided glide bomb. The right answer. Options देखते हैं. अस्त्र, रुद्रम, तेजस, गौरव या आकाश. Okay. एक का है लक्ष्य सिंह अस्त्र, शिखा सिंह रुद्र. Okay. So we have different answers for this question. 166. The right answer. Come on. लेट्सी, सबसे ज्यादा आंसर किसके लिए आते हैं, कौन से आपके अकॉर्डिंग, विच इज द राइट आंसर. द राइट आंसर इज गौरव. तो देखो, गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब, गौरव, इसको GGB से याद रख लो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें फिर. इंडियाज लेजेंडरी टाइग्रेस T15 हैज पास्ड अवे ड्यू टू ओल्ड एज एट नाउ. द ऑप्शंस टेल यू विच टाइगर रिजर्व. द राइट आंसर आउट ऑफ ऑप्शंस, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तबुड़ा टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व या रामगंगा टाइगर रिजर्व. द राइट आंसर इज पेंच टाइगर रिजर्व. ठीक है, T15 टाइगर से याद रखना है, ड्यू टू ओल्ड एज एट पेंच टाइगर रिजर्व. राइट, चलिए 168. शैलन फोर्ड हैज वन द 2022 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड मिसेज वर्ल्ड 2022. इट वॉज हेल्ड इन, तो कहां पे था आपका मिसेज वर्ल्ड 2022 का टाइटल. ऑप्शन है तेल अवीव, लास वेगस, लास एंजलिस, न्यूयॉर्क या दुबई. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 168, न्यूयॉर्क, दुबई. ओके, लॉस एंजलिस, यहां पे लॉस एंजलिस की स्पेलिंग्स गलत हैं, सो प्लीज सॉरी फॉर दैट. द राइट आंसर इज लॉस वेगस. ठीक है, लास वेगस में
मिला है, किनको मिला ये भी याद रखना है, शैलिन फोर्ड, ठीक है, याद रखना है शैलिन फोर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज वन हिज मेडन सुपर 500 टाइटल। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर मेडन सुपर 500 टाइटल। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस द राइट आंसर। ओके, सो समवन इज सेइंग किदंबी एंड लक्ष्य सेन। गाइज प्लीज मार्क द क्वेश्चन नंबर एज वेल, 169 का ए, तो मोस्टली किदंबी पे ही सारे मार्क कर रहे हैं, राइट। द राइट आंसर इज लक्ष्य सेन, तो लक्ष्य सेन इज द राइट आंसर, ठीक है। मेडन सुपर 500 टाइटल की बात हो रही है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी कि किस पर्टिकुलर स्पोर्ट या किस पर्टिकुलर इवेंट की हम बात कर रहे हैं, दैट विल रियली डिटरमाइन व्हिच वुड बी द राइट आंसर, तो ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 170, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रैब वर्ल्ड नंबर वन रैंक इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी इन द लेटेस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग। तो BWF की जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 में वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग अभी किसको मिली, ऑप्शंस क्या है, चिराग शेट्टी, अदिति सेन, सिरिल वर्मा, तस्नीम मीर या अभा जोशी। क्वेश्चन नंबर 170 गाइस, अभी इसके बाद आप मेरे को नीचे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स अभी तक ठीक रहे हैं इसमें, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एनालाइज भी करना कि हम कितने आंसर सही मार्क कर रहे हैं, कितने गलत मार्क कर रहे हैं। द राइट आंसर, ओके, सो पीपल आर सेइंग ऑप्शन 3, 4, 4, 3, 4। The right answer is तस्नीम मीर, ठीक है, तो ऑप्शन 4 जिसने भी बात किया है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू गेटिंग राइट, थोड़ा सा एक ऐसे रफ एस्टिमेट कितना सही चल रहा है। देखिए वी डोंट हैव टू मार्क आर आंसर्स रॉन्ग इन द एग्जामिनेशन, दैट इज द की, ठीक है, कम आंसर्स मार्क कर लो फिर भी चलेगा, बट गलत नहीं मार्क करके आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है हमें, ठीक है। सो प्लीज कीप चेकिंग ऑन हाउ मेनी राइट आंसर्स आर यू गेटिंग इन दिस रिविजन सेशन, राइट। So moving on next, question number 171, who has been appointed as the chairman and managing director of Air India? So chairman and managing director CMD of Air India, options kya hai, Rajiv Bansal, Vikram Devdutt, Manoj Pandey, CM Mohanty ya Narendra Kumar. Along with that, you also have to tell me which company has acquired Air India. I know this is one question which everyone knows, everyone has learned, to ye to aap chat box mein bata do ki kaun, किसने भी एक्वायर किया है एयर इंडिया को, ठीक है। सो पीप 171 ऑप्शन बी, आई थिंक एवरीवन इज गोइंग विद विक्रम देवदत्त, राइट, द राइट आंसर इज विक्रम देवदत्त, वेरी गुड। लेट मी नो विच कंपनी हैज एक्वायर्ड, ओके, विच टाटाज विच कंपनी हैज एक्वायर्ड एयर इंडिया, टाटा की कौन सी कंपनी ने किया है, टाटा तो ठीक है, टाटा की कौन सी कंपनी ने किया है। नेक्स्ट 172, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, Telus is the right answer, right? So, Telus of Tata has acquired Air India. Question number 172, who has been appointed as the new Vice Chief of Army Staff? So, yahan pe options hai aapke paas. Please mark your right answer for question number 172. So, 172 ka C bola hai, theek hai? Rohan is saying option C. Arunima is saying option 2. I'm sorry, it's Arunima, right? So Anshu is saying option C, Vishal is saying option C, option 3, right? So the right answer is option 3 indeed, Lieutenant General Manoj Pandey. Kya bane ye? Vice Chief of Army Staff, theek hai? Yaad rakhna hai. Moving on, next. E-Mahisha, e-luggage pre-tagging are digital apps related to which of the following? So E-Mahisha, e-luggage pre-tagging are digital apps related to which of the following? Education of women from minority community, employment awareness app of students from minority community, climate alert app, digital facilities for Hajj pilgrims, or app for banking awareness. So what are we talking about? We are talking about an app. Iska naam hai E-Mahisha, e-luggage pre-tagging. Ye kisse related hai? So option 4, digital facilities for Hajj pilgrims, is absolutely the right answer. Very good. So moving on to question number 174. The International Air Transportation Association was in news. IATA was in news. Where are the headquarters of IATA located? Now people ask, static GA kaise aayega? Static GA ki preparation kaise karni hai? Aise hoti hai static GA ki preparation. कोई ये करंट अफेयर आएगा किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में और उसके स्टैटिक पोर्शन को एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, राइट। तो आईटा वाज इन न्यूज, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन वाज इन न्यूज, वेयर आर इट्स हेडक्वार्टर्स,
The right answer is Montreal, Canada. Very good, very good. So moving on to question number 175, which of the following has developed and introduced handmade paper use and throw slippers for use of devotees and the workers in Kashi Vishwanath Temple, Varanasi? So Varanasi mein use and throw slippers कौन सी कंपनी लेके आई है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, अपीयर ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट या IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 175, हाउ इज द जोश? मजा आ रहा है सेशन में? लाइक करो अगर मजा आ रहा है तो, शेयर करो अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175, द राइट आंसर इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। तो हैंडमेड पेपर स्लिपर्स है ये, जो कि यूज एंड थ्रो है स्पेशली टू बी वोन फॉर नाउ इन द काशी विश्वनाथ टेम्पल, राइट। सो मूविंग ऑन, ओके, तो लक्ष्मी ने बोला हाय सर, हाय सर, वेरी गुड, हाय हाय जोश, ठीक है। द फर्स्ट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, इट इज कंसोलिडेटिंग कोऑपरेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो हिंट के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर मार्क करो। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस या बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स या सिचिलिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन वन, वेरी गुड, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स इज द राइट आंसर। रिसेंटली द टाटा ग्रुप हैज रिप्लेस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर IPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर 2022 एंड 2023 सीजन? नाउ मेरे को लाइव सेशंस लेने से इतना पता है, जितने भी व्यूअर्स हैं क्रिकेट रिलेटेड आंसर्स तो ऐसे 2 सेकंड में आ जाते हैं, राइट right? तो ये तो फिर भी एक ऐसी न्यूज है जो कि सभी को पता है। ओके, द राइट आंसर, किसको टाटा ने किसको रिप्लेस किया है एज अ टाइटल स्पॉन्सर फॉर IPL? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, कई गलत आंसर आ रहे हैं इसमें। द राइट आंसर इज वीवो। तो वीवो को रिप्लेस किया है टाटा ने, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, वीवो ओप्पो चाइनीज कंपनीज है, टाटा इंडियन कंपनी है, तो टाटा ने रिप्लेस किया है एक चाइनीज कंपनी को, ऐसे याद रखो, ठीक है, बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 178, नमदाफा गुडनेस वॉज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू वॉट? दी ऑप्शन आर रॉ स्पाइसिस, एग्जॉटिक स्पाइसिस, इंडिजिनस प्लांट, एंडेंजर्ड स्पीशीज या फिर नेशनल पार्क? रॉ स्पाइसिस, एग्जॉटिक स्पाइसिस, इंडिजिनस प्लांट, एंडेंजर्ड स्पीशीज या नेशनल पार्क? कम ऑन, 178 द राइट आंसर फॉर नमदाफा गुडनेस। So, raw spices is the right answer. Namdafa, goodness. तो goodness से याद रख लो, हम बोलते हैं ना कि कच्चा खाना, कच्चे फल, कच्चे फूल, तो कच्चे fruits, कच्ची सब्जियां, तो कच्चे spices, ठीक है। Next, Homeland Security Dialogue has been held between the officials of India and United States. It was launched in which of the following year? Again, this sort of questions have been seen in the examinations before. We will read the current affairs. हम याद कर लेंगे, हम उनकी पूरी depth में चले जाएंगे. But static portion जो होता है ना, sometimes we miss that. Now, a simple question. All you have to remember is when was the Homeland Security Dialogue between India and USA launched? The options are 2008, 2010, 2012, 2014, and 2018. The right answer is 2010. So again, one of those questions जिसमें बहुत लोगों के answers गलत हैं, and it is all right. ये expected है कि आप ऐसी गलतियां यहाँ पर करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, but exam के अंदर ऐसी गलती आपको करने का मौका नहीं मिलेगा अगर आपने वो गलती already यहाँ पे कर दी है, तो congratulations. Moving on to question number 180, which of the following states has increased the upper age limit for entry into government and state civil services from 32 to 38 years due to COVID-19 pandemic? तो स्टेट सिविल सर्विसेज में एंट्रेंस के लिए अपर लिमिट किस स्टेट ने अभी रिसेंटली बढ़ाई है? क्या ऑप्शन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना या हरियाणा? क्वेश्चन नंबर 180, कम ऑन गाइस, द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 180 इट इज, तो डी, तेलंगाना ऑप्शन आया, तमिल आंसर, उड़ीसा। तो अगेन सभी के अलग अलग आंसर है, बट राइट आंसर प्लीज सारे याद रखेंगे, ठीक है। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 180 इट इज ओडिशा। तो ओडिशा सभी ने याद करके जाना है, 32 से 38 की एज लिमिट कर दी है फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट 181, एक्सरसाइज गतिशक्ति प्रोग्राम वॉज इन न्यूज रिसेंटली, गतिशक्ति प्रोग्राम वॉज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस क्या है? हाईवेज, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स या फास्ट ट्रेन्स?
Gati Shakti program was in use. It is related to which of the following? The right answer is infrastructure connectivity. ठीक है, तो connectivity बढ़ाने के लिए गति शक्ति मतलब हमारी speed की power को बढ़ाने के लिए गति शक्ति program लाया गया है. Next. Recently, which edition of United Kingdom India Joint Economic and Trade Committee meet has been organized in Delhi? तो कौन से edition की United Kingdom India Joint Economic and Trade Committee हुई है दिल्ली में? क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है कि कहां पर हुई है. ठीक है, तो जिस भी एडिशन की बात यहां पर हो रही है, क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि वो कहां पर हुई थी. एक ये भी हो सकता है कि किन दो कंट्रीज के बीच में हुई थी. ठीक है, सो अभी के लिए द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 182 इट इज 15th. तो 15th इज द राइट आंसर. राइट, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 183. रिसेंटली रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड, डिजाइन टू स्पीडली रीड्रेस पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस ऑफ. ऑप्शंस क्या हैं? एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म फोर्स, रिटायर्ड पुलिस पर्सनल, स्पाउस ऑफ मार्टर सोल्जर्स, फिजिकली डिसेबल्ड आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, या नन ऑफ द अबव. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट डाउन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या नाम है? रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल. और क्वेश्चन ये है कि किसके लिए लॉन्च हुआ है? एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. सो 183 द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 184. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज साइंड अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अफ्रीका 50 टू डेवलप द केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट. तो केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए अफ्रीका 50 के साथ अभी रिसेंटली किसने पार्टनर किया है? ऑप्शंस क्या हैं? अदानी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा पावर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर एनटीपीसी लिमिटेड. क्या क्या ऑप्शंस हैं जी, आंसर कीजिए इसको. ऑप्शंस आंसर्स फॉर 184 का डी आ रहा है आंसर. राइट, तो ऑप्शन 4 पे मोस्टली सभी का मेरे को लग रहा है कि सभी आंसर ऑप्शन 4 पे कर रहे हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन. सो द राइट आंसर इज इंडीड ऑप्शन 4, दैट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. वेरी गुड. Moving on to question number 185. India has granted dash loan to Sri Lanka to build up its depleted foreign reserves and for food imports. Now again, this sort of questions you can say ki aur bhi months mein aur bhi hamare jo grants mili hain Sri Lanka ko from India, to hume kaise yaad rakhna hai? Month yaad kijiye. Kisi particular reason se diya gaya to wo yaad kijiye. To uske saath hi aapko yaad rakhna padega ki is particular cheez ke liye is particular month mein kitni grant mili thi. Right? So mostly I am looking, the answers are coming out to be 400 million or 900 million, and that is right. 900 million is the right answer. Right. Next, India Out campaign was related to which of the following countries? So India Out campaign abhi recently kaun si country mein aaya tha? Theek hai? India Out campaign. Options kya hai? Sri Lanka, Maldives, Myanmar, Nepal, ya Bangladesh. Question number 186. क्वेश्चन नंबर 186, द राइट आंसर इज मालदीव्स. तो मालदीव्स में ये आ रहा था और उसका रीजन ये कह रहे थे कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंट्रूजन हो रही है मालदीव्स के कल्चर में. सो दैट वाज द रीजन. राइट, याद रखना, मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट कैंपेन आया था. राइट, नेक्स्ट 187, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द लेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्जन थेरेपी. लेटेस्ट कंट्री कौन बनी है अभी कन्वर्जन थेरेपी को बंद करने के लिए, बैन करने के लिए? ऑप्शंस क्या हैं? जर्मनी, समोआ, आयरलैंड, कनाडा, या ब्राजील. ठीक है, तो राइट आंसर इज कनाडा. ठीक है, कनाडा में हम कैसे याद रख सकते हैं? हम बोलते हैं कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां पे कि आप सब कुछ अपना आप देयर इज फ्रीडम. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज. तो वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस बैन करी ऑफ कन्वर्जन थेरेपी. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 188. A team of archaeologists have found a vast wealthy Roman trading settlement during excavations in which of the following countries? तो कौन सी countries में एक vast Roman trading settlement मिली है? कौन सी countries में archaeologists को? ठीक है, तो basically अब देखो ऐसा question मिलता है तो हमें कैसे points को पकड़ना है? Roman trading settlement during excavation in which of the following countries? The right answer is UK. ठीक है, तो UK के अंदर recently हमें wealthy Roman trading settlements मिली हैं. ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखें. व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड द ब्रेल मैप्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स? तो ब्रेल मैप्स, ठीक है, फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स किस ने लॉन्च किए हैं? नैटमो, एनसीईआरटी, आईएआईसीटीई, यूजीसी, या एनएएसी?
सो अलॉट ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन टू एनसीईआरटी. ठीक है, अगर मैं बताऊं एनसीईआरटी गलत आंसर है, फिर अब बताओ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 189. एनसीईआरटी इज नॉट द राइट आंसर, एक्सक्लूड कर दो एनसीईआरटी को. ओके, तो लक्ष्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, नैटमो इज द राइट आंसर. ठीक है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो लेके आएंगे एक ब्रेल मैप, स्पेसिफिकली इंडिया में बनाया जाएगा ये, और बहुत ही हाईटेक हाई टेक्नोलॉजी में यूज की जाएगी इसको बनाने के लिए. ठीक है, तो याद रखना है नैटमो. ठीक है, मैप बनाती है कंपनी. नेक्स्ट, which country is reported to have built an artificial moon facility that will stimulate lunar conditions and the environment for scientists to test new tech and future missions? तो artificial moon बनाया है specifically lunar conditions को, मतलब moon की conditions को stimulate करने के लिए. क्या options? Germany, Japan, USA, China या फिर Russia. तो इसमें सभी के सही जवाब आ रहे हैं, China is the right answer. Very good guys. तो क्वेश्चन नंबर 190 पे हम आ गए हैं ऑलरेडी. ठीक है, 500 क्वेश्चंस करने हैं हमने टोटल इन सारे सेशंस में. 190 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो ठीक है भाई, आज के सेशन में हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए. मेरे को जल्दी से बताओ क्या रिस्पांस रहा है आपका अभी तक, कितने आपके सही, हाउ मेनी राइट आंसर्स आर यू गेटिंग, व्हाट इज योर एक्यूरेसी लेवल, एंड डू यू थिंक विद योर करंट प्रिपरेशन आप सभी को फोड़ के आओगे. ठीक है, तो नीचे अभी चैट बॉक्स में मुझे बताओ कैसा चल रहा है आपका अभी का परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो नेक्स्ट, तो ओके, सिद्धार्थ ने बोला है 25 आउट ऑफ 40 नॉट बैड, 29 आउट ऑफ 40 नॉट बैड, 35 आउट ऑफ 40 अंशु वेरी गुड, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, 35 आउट ऑफ 40 दैट इज अमेजिंग. ठीक है, बट सिद्धार्थ, नीरज, अगर गलत आए हैं अभी तक, अगर गलत आए हैं तो बाकी के जो गलत थे उनको याद रखना है कि नहीं रखना है, ये मेरे को भी बताओ. ठीक है, लक्ष्य, वी कैन डू बेटर सर. और देखो, हर एग्जाम के अंदर ना ऐसी होता है, हम एग्जाम देने जाते हैं और हम क्वेश्चन को देख के बोलते हैं यार मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो क्या चीज लैक करती है हमारी, रिवीजन. राइट, रिवीजन इज द मिसिंग की. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, वी आर ट्राइंग टू रिवाइज द 500 बेस्ट पर्टिकुलर एमसीक्यूज फॉर सेबी करंट अफेयर्स. राइट, तो रिवीजन के साथ आपको एटलीस्ट एग्जाम के अंदर एक श्योरिटी आती है कि यस आई हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन बिफोर एंड आई कैन अटेम्प्ट इट अगेन इन माय एग्जामिनेशन. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 191. अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम केरला एंड ब्राजील हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीशीज ऑफ रेयर वुड बोरिंग डीप सी मोलस्क. इट हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस. आई कैन टेल यू, टेल मी, आपने कितनी बार देखा होगा कि एग्जाम के अंदर गए, इतना बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और पूछा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, एक छोटी सी चीज पूछी होती है. तो यही पॉइंट है. अब जब आप मोलस्क को देखेंगे ना, आपको पता होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, कि मोलस्क, अभी रिसेंटली रेयर स्पीशीज ऑफ न्यू मोलस्क कहां पे मिली है. द राइट आंसर इज अरेबियन सी. ठीक है, तो मोलस्क क्या होते हैं आपके, स्नेल, स्क्विड, ऑयस्टर, स्लग, ऑक्टोपस, ये सारे मोलस्क की कैटेगरीज हैं. ठीक है, पीडीएफ कब मिलेगी क्लास 1 और 2 की? तो पीडीएफ आई विल कंफर्म इट, बट आई थिंक आप पिछली वीडियोस में जाइए, उनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन होगा पीडीएफ की, इट विल डायरेक्टली टेक यू टू दी टेलीग्राम चैनल जहां पे कि वो पीडीएफ होगी. राइट, बट डायरेक्टली आप पीडीएफ पर ही पहुंचोगे. ठीक है, तो चलिए अभी के लिए सेशन पे ध्यान देते हैं. 192. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ट बीइंग इंडिजिनियसली बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड? कोचिन शिपयार्ड पे इंडिया का कौन सा फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है इंडिजिनियसली डेवलप्ड? ठीक है, इंडिजिनियसली बिल्ट, सॉरी. द ऑप्शंस आर विराट, विक्रमादित्य, विक्रांत, विशाल या विकास. ये तो सभी को पता है, मुझे भी पता है, मतलब मुझे पता है, ये सबको पता है. ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस में कहता हूं एग्जाम में पक्का है, किसी का गलत नहीं होगा. ठीक है, 192, द राइट आंसर इज विक्रांत. ठीक है, INS विक्रांत. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 193. DRDO हैज कंडक्टेड सक्सेसफुल टेस्ट्स ऑफ एन एडवांस नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल? मिसाइल की रेंज पे पहले भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, मानो इस बात को, बहुत जरूरी है ये. ठीक है, क्या ऑप्शंस हैं? 150 to 200 किलोमीटर, 250 to 300 किलोमीटर, 350 to 400, 500 to 600, 550 to 700. नाउ अगेन रिमेंबर, किसकी बात हो रही है? क्रूज नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस के नेवल वेरिएंट की बात हो रही है, ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है, द राइट आंसर इज, तो 193 का ऑप्शन 3, 5, 3, 3, 2, 3, राइट आंसर इज ऑप्शन 3. ठीक है, 350 to 400 किलोमीटर, वेरी गुड.
तो 195 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम. विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ब्रह्मोस एरोस्पेस टू प्रोक्योर अ शोर बेस्ड ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम फॉर इट्स नेवी. तो ब्रह्मोस मिसाइल किस कंट्री ने अभी लिया है? तो दिनेश कुमार ने 2222 आंसर किया है एंड दैट इज रॉन्ग. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं. नीरज, अनुपमा, रोहन, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू हैज गिवन फिलीपींस एज द राइट आंसर. दैट इज अमेजिंग, वेरी गुड. 194 का याद रखना आंसर कि ब्रह्मोस अभी रिसेंटली फिलीपींस ने लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड सैंडल्स किसको बोलते हैं? चंदन को, लाल चंदन को, रेड सैंडलवुड को. ठीक है, इट हैज बीन इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल यूनियन IUCN रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी पर इसको डाला गया है? अभी ऑप्शंस क्या हैं? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड या नियर थ्रेटन्ड. कम ऑन गाइस, लाइक करो यार वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो. अगर मजा आ रहा है सेशन में तो लाइक करो, शेयर करो. ठीक है, नीचे कमेंट करना है कैसा लगा सेशन, क्या आपको मजा आया पढ़ के, क्या आपको लर्निंग मिली कुछ पढ़ के, आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा सेशन में, बताओ मुझे. ठीक है, द राइट आंसर इज एंडेंजर्ड. ठीक है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है टू रेड सैंडल्स. याद रखना, रेड सैंडलवुड को बोलते हैं. नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम इंडियाज 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बाय सिक्योरिंग 3rd एंड फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉम एट एन इवेंट इन इटली. अगेन आई विल ट्राई टू टेल यू कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से. 73rd ग्रैंड मास्टर इंडिया का कहां पे बना है? तो ऑप्शन हो जाएगा इटली में. ठीक है, हो सकता है नाम ना पूछे, सिर्फ इतना ही पूछ ले कि 73rd ग्रैंड मास्टर इंडिया का कहां पे बना था. द राइट आंसर अभी के लिए है भारत सुब्रमण्यम. ये भी हो सकता है 73rd ना मेंशन करें, ये पूछे कि भारत सुब्रमण्यम कहां पे जीता था, तो भी इटली आंसर होगा. ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रैंड मास्टर बना है भारत सुब्रमण्यम, द राइट आंसर वुड बी 73. प्लीज, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197. रिसेंटली उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ AIIB लोकेटेड? तो AIIB के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि AIIB के अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं. ठीक है, तो याद रखेंगे उर्जित पटेल उसका आंसर होगा. अभी के लिए मुझे बताओ AIIB का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? शंघाई. बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड. ओके सॉरी, बीजिंग इज द राइट आंसर. ठीक है, बीजिंग इन चाइना. तो सॉरी, मैंने भी ऑप्शन देख के डायरेक्टली जंप कर गया मैं. द राइट आंसर इज बीजिंग. ठीक है, नेक्स्ट 198. हु हैज अपॉइंटेड उमा शंकर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड? तो कौन सी कंपनी में उमा शंकर को भी रिसेंटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है? क्या ऑप्शन है? फिनो पेमेंट्स बैंक, एबिक्स कैश प्राइवेट लिमिटेड, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या IOC दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 198, द राइट आंसर. ओके, सो ऑप्शंस आ रहे हैं 4, 4, 4, 5, 4. द राइट आंसर इज इबिक्स कैश प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज ऑप्शन 2. ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 199. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 10th चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? तो इसरो के अभी 10th चेयरमैन कौन बने हैं? आई नो ये तो सभी को आता होगा. ठीक है, ऑप्शंस क्या है? एस सोमनाथ, के सिवन, ए एस किरण कुमार, बी एन सुरेश या मलाठी सिवन. सोमनाथ राइट, 1 इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर. तो के सिवन जो है उनको रिप्लेस कर रहे हैं एस सोमनाथ. ठीक है, के सिवन को रिप्लेस कर रहे हैं एस सोमनाथ, याद रखना है. आउटगोइंग पर्सन को भी याद रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200. तो 200 क्वेश्चन, ठीक है, 200 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं. Reserve Bank of India has granted its approval for appointment of Ithira Davis as the MD and CEO of which bank? तो कौन से बैंक के CEO और MD अभी Ithira Davis को बनाया गया है by Reserve Bank of India? I know you all will be marking this answer correctly. Why? Because we have practiced this a number of times in our GA series, right? Ujjivan Small Finance Bank is the right answer. Very good guys. So we are now at 200 question. तो गुडी क्वेश्चन, हाँ जी गुडी क्वेश्चन आने वाला है. ये देखो ऐसी गुडी, ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में मिली है, ठीक है, उससे पिछली वीडियो में भी मिली है और आज की वीडियो में भी मिलेगी. एंड आई वुड लाइक टू रिपीट, ठीक है, तो लास्ट वीडियो के विनर को 1000 रुपीज का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, एक एडियोटैप मग एंड एडियोटैप डायरी,
where I would specially recommend you, बहुत ही handy diary है, आप इसको use कीजिएगा to take down notes in the live sessions, right? So very good, चलिए 200 questions done, ठीक है? तो how is the Josh? ठीक है, high रखना है, जल्दी से next set of questions को भी cover करते हैं, ताकि हम कल की वीडियो में अगेन हमारे जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन उनको कर सकें. तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, अपना जोश भी हाई रखिए. तो चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ. तो यूनिसेफ के अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो लक्ष्य बोल रहा है ये तो पता नहीं था, वरना ज्यादा एफर्ट्स होते. अरे अरे कोई बात नहीं लक्ष्य, पूरे एफर्ट्स डालो. कोई भी मतलब रीजन नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर एफर्ट्स डालने का, अदर देन योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड योर रिवीजन, राइट? सो दैट इज आवर मोटिव ओवर हियर. ठीक है, तो हल्का फुल्का मजाक वगैरह चलता रहता है एंड थोड़ा लाइटली लेते हैं एग्जाम के प्रेशर को. इतना हाई नहीं बनाना है कि प्रेशर के अंदर ही हम गलत आंसर मार्क करें. ठीक है, तो लाइटली प्लीज मार्क द राइट आंसर. यहाँ पर सर सेम पर चलो कोई बात नहीं. द राइट आंसर फॉर 201 क्वेश्चन कैथरीन इज द राइट आंसर. वेरी गुड. तो बहुत बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है. फर्स्ट ऑप्शन को भी कुछ ने मार्क किया है. सुमित्रा दत्ता, आई थिंक दैट यू हैव मार्क्ड सोलली बिकॉज दैट सीम्स लाइक एन इंडियन पर्सनल. सी दिस दीज काइंड ऑफ ट्रिक विल वर्क समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज. ट्राई टू रिमेंबर कि सही जवाब क्या है. Rather than just guessing कि एक इंडियन पर्सन का नाम मेंशन है तो उसको हम याद कर देते हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. रिसेंटली न्यूज, चंद्रशेखर पाटिल पॉपुलरली नोन एज चांपा इज फ्रॉम विच फील्ड. ऐसे क्वेश्चन हमने पहले बहुत बार ही देखे हैं कि कोई पर्टिकुलर बंदा न्यूज में होता है और उससे पर्टिकुलर वो किस फील्ड से बिलोंग करता है ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, राइट? तो चंपा चंद्रशेखर पाटिल अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन किस फील्ड से है, तो ऑप्शन क्या देखनी है? म्यूजिक, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, फिल्म या जर्नलिज्म. सीधा मार्क करके आना है हमने. तो देख रहा हूं मैं, कुछ बोल रहे हैं पॉलिटिक्स, कुछ बोल रहे हैं लिटरेचर. द राइट आंसर इज लिटरेचर. ठीक है, जहां कहीं भी चंपा चंद्रशेखर पाटिल आ जाए लिटरेचर को मार्क कर दो. छोटे होते सभी ने, मेरे को पक्का पता है, एक मैगजीन और एक सीडी आती थी चंपा के नाम से. ठीक है, तो वो सभी ने पढ़ी होगी, उससे याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट. वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन. क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन मार्क किया जाता है? ऑप्शन के जनवरी 9, 10, 11, 13 या 14. द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 203. सो नीरज इज सेइंग फिफ्थ ऑप्शन, शिखा इज सेइंग सेकंड ऑप्शन. द राइट आंसर इज जनवरी 10th. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टेकन ओवर एज द चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ द यूएनएससी फॉर ईयर 2022. तो यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी के चेयर अभी किस कंट्री ने ली है? क्या ऑप्शन है? जर्मनी, इंडिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस या केन्या. तो मार्क कीजिए यहां पे अपना राइट आंसर. द राइट आंसर इज इंडिया. वेरी गुड, इंडिया इज द राइट आंसर. ठीक है, फ्रांस को आई थिंक प्रेसिडेंसी मिली है यूरोपियन यूनियन की, तो कंफ्यूज मत करो यार. इंडिया को मिली है अभी रिसेंटली चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी इन यूएनएससी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205. इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस गोइंग टू बी लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. तो कौन सी सिटी में इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस लॉन्च होने जा रही है? तो गौरव इज सेइंग वीडियो ब्लर. और किसी को भी ये इशू आ रहा है वीडियो ब्लर का? गौरव मेरे यहाँ पे तो वीडियो ठीक चल रही है यार, अगर और किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज बताओ. कोलकाता, कोची, मुंबई, चेन्नई या पणजी. तो कहां पर, इन विच सिटी वो इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी. देखो आई नो बहुत लोगों का ये आंसर यहाँ पर गलत होने वाला है, बट जिस जिसका यहाँ पर ये आंसर गलत होने वाला है ना, एग्जाम के अंदर मुंबई मार्क करके आ जाना अगर ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, और मुझे थैंक करना, बोलना थैंक यू वीडियो डैप, थैंक यू दिवांशु गुप्ता. मुंबई इज द राइट आंसर, मुंबई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206. IC15 इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग. IC15 किससे रिलेटेड है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, न्यू वेरियंट ऑफ COVID-19, न्यू इन्वेसिव स्पीशी, India's first cryptocurrency index, name of new star detective by James Webb Telescope. 206. तो बहुत सही, मेरे को लगा था यहां पे मैं ऐसे माफ करूंगा ना तो गलत आंसर आएंगे,
But the right answer is India's first cryptocurrency index. Very good. A big thumbs up to all of you for your high josh, high energy. Question number 207. Which of the following organizations has initiated the use of e-office application for its official purposes? So, official purposes ke liye e-office application ko in mein se kaun si organization ne actually mein start kar diya hai? Theek hai? Options kya hai? ICAR, CCRAS, CBIC, IRDAI ya SEBI? The right answer for question number 207. Guys, please concentrate on the question and answers. Baatein baad mein, session ke end mein hum, theek hai, 5-10 minute discussion kar lenge. Abhi please apna focus question and answers pe rakho yaar. Jo hamara main motive hai session ka, wo bhatakna nahi chahiye, theek hai? Question number 207. The right answer for question number 207, e-office se kisko yaad karna hai humne? अपने सीबी सीसीआरएएस को, ठीक है? तो सीसीआरएएस ने लॉन्च किया है अपना ई ऑफिस एप्लीकेशन, ठीक है? मूविंग ऑन, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एकेडमी हैज सेट अप द रिकॉर्ड ऑफ 19,000 फ्लाइंग आवर्स कलेक्टिवली इन द ईयर ऑफ 2021. तो 2021 में 19,000 फ्लाइंग आवर्स, इनमें से कौन सी एकेडमी ने ये रिकॉर्ड सेट किया है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकेडमी, ओरिएंट फ्लाइट्स एविएशन अकेडमी? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 208. तो ओके, अमर इज सेइंग 2, पूनम 3, शुभम 4, ओके कोई 5 भी, एंड ओके नीरज हैज सेड ऑप्शन 1. तो ठीक है, 5 को छोड़ के सारे ही ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है? NFTI बोला है दून ने. So the right answer is IGRUA, that is Indira Gandhi Rashtriya Udyan Academy. ठीक है, moving on to question number 209. Nifty 50 index has completed how many years in 2021? तो 2021 में Nifty 50 index को कितने साल हो गए हैं? क्या options हैं? 20 years, 25 years, 30 years, 50 years या 70 years? चलो एक छोटी सी quiz और लेता हूँ मैं. Nifty 50 की कोई full form है? Nifty 50, Nifty की कोई full form है क्या? ठीक है, 30 years, 20 years, ओके, 50 years. द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 209, इसके लिए तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी गलती आएंगी. द राइट आंसर इज, इट इज 25 years. ठीक है, तो निफ्टी 50 हैज कंप्लीटेड 25 years. अगेन मेरे पास कोई स्पेशल ऐसे देखो जादू की छड़ी नहीं है याद दिलाने के लिए. आजादी का अमृत महोत्सव का हम याद कर रहे हैं 75 years, ठीक है? तो हम PIB के ऊपर 75 years लिखा देखते हैं, तो NSE के ऊपर आप हल्का से इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो, 25 years वहां पे दिखता है, ठीक है? तो ऐसे याद कर लो इसको, right? Question number 210. Singareni thermal power plant was in use. It is located in which of the following states? तो power plant again एक ऐसा question है जो कि हम कह सकते हैं कि static का है, ठीक है? तो काफी high chances होते हैं कि अगर कोई particular एक चीज news में है तो उससे related उसका स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आई हैव रिपीटेड दिस नंबर ऑफ टाइम्स. अगेन द राइट आंसर फॉर STPP कहां पर है, कहां पर लोकेटेड है? तो ऑप्शंस में आंसर आ रहे हैं गुजरात. द राइट आंसर इज तेलंगाना, ठीक है? तो तेलंगाना में है, ठीक है? ओके, तो कुछ के आंध्र प्रदेश में आंसर आ रहे हैं. द राइट आंसर इज तेलंगाना. क्वेश्चन नंबर 211. इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस? तो इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर आया? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, भोपाल या लखनऊ? अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई नो, ठीक है? तो राइट, इसका तो सभी ने देखते हैं आंसर मार्क किया है, हैदराबाद. वेरी गुड, वेरी 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 गुड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 212. The book titled Ratan N. Tata, the authorized biography, has been authored by Ratan Tata, Dr. Thomas Matthew, Amit Ghosh, Shashi Tharoor, or Tony Joseph? I will wait for everyone to answer this. Come on. So, okay. Neeraj is saying option 4. Come on, Neeraj. Are itte sahi answer aa rahe hain yaar ek. Okay. So, bahut logon ka option aa raha hai Shashi Tharoor and Dr. Thomas Matthew, right? बाकी सारे आंसर्स गलत हैं, बिल्कुल सही. अब इन दोनों में से अगर आपको एक मार्क करना हो तो कौन सा करोगे? द राइट आंसर इज थॉमस मैथ्यूज, ठीक है? थॉमस मैथ्यूज इज द राइट आंसर, इसको याद रखो, थॉमस मैथ्यूज, रतन टाटा. अब टाटा और थॉमस से याद रख लो इसको, यही एक शॉर्टकट आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूं, ठीक है? चलिए, पसंद आ रहा है सेशन? ओके, लाइक कर दो फिर. 213.
The Ministry of External Affairs has signed an agreement with each of the following for second phase of passport seva program. ये तो सारे ठीक करके आएंगे, ठीक है? पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आता है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा हमारा, क्योंकि हमारा राइट आंसर मार्क हो जाएगा, दैट वुड बी TCS टाटा, ठीक है? टाटा टाटा हो रखी है हर जगह पे, TCS टाटा की सबसे बड़ी कंपनी, वुड बी द राइट आंसर फॉर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का सेकंड फेज. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which of the following has become the first United States company to touch $3 trillion United States dollar market capitalization? तो $3 trillion की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कौन सी कंपनी ने पकड़ी है? गूगल, फेसबुक, Amazon, Apple या नेटफ्लिक्स? हिमांशु इज सेइंग गूगल. ओके, 444, बहुत सही यार, एप्पल इज द राइट आंसर. तो एप्पल टच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $3 trillion. सो 214th क्वेश्चन, 215th क्वेश्चन के बाद प्लीज लेट मी नो अब क्या एक्यूरेसी रेट चल रहा है आपका. कुछ आंसर्स पहले से ज्यादा ठीक हुए एंड कितने गलत हुए, जैसा भी एक अप्रोक्स आइडिया है बताना मेरे को, ठीक है? 215 बहुत ध्यान से करना है, ठीक है? इसको सही मार्क करना है आपने. बुचरेस्ट 9 ग्रुप वाज इन यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्लेटफॉर्म 9 कंट्रीज फॉर, इसको काटो यहां पर, उसके बाद देखो. पॉलिटिकल कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन, एनवायरमेंट कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, COVID-19 कोऑपरेशन, एंड एक फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ऑप्शन जो है उसके अंदर थोड़ा चेंज कर दिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अगेंस्ट रशियन एग्रेशन, ठीक है? तो मार्क योर राइट आंसर्स, ठीक है? इसके आंसर के बाद यू विल बी टेलिंग मी कि कितने सही जवाब आपके चल रहे हैं. तो इसका मोस्टली सभी का आंसर आ रहा है बी, एनवायरमेंट कोऑपरेशन, ठीक है? ठीक है, कुछ का इकोनॉमिक आ रहा है, एंड मोस्टली सभी का आई थिंक ऑप्शन 2, 3 and 4 के अंदर ही लिमिटेड है. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी फॉर दैट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. तो जितने भी सभी के आंसर मार्क हुए यहां पे सारे गलत, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है? तो अब एक और गलत आंसर जुड़ गया, बट कोई बात नहीं, याद रखेंगे. नाइन ग्रुप जहां कहीं पे भी आ जाता है, हमने पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल कंसल्टेशन को याद रख लेना है, ठीक है? तो बुचरेस्ट 9 ग्रुप वॉज इन यूज, इट इज रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म ऑफ 9 कंट्रीज फॉर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है? तो बताओ थोड़ा यहाँ पे अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है अपनी, ठीक है? एंड सेशन को थोड़ा तेज करना है, स्पीड ठीक है, ऐसे ही चलते रहे तो ठीक है, फिर बताओ जरा चैट बॉक्स में. वी आर एट 215th क्वेश्चन, राइट? सो 65 क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं, 85 क्वेश्चंस हमारे अभी आज के सेशन के लिए रहते हैं. सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो. लर्निंग सर, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, अगर आपको यहां से कुछ भी लर्न करके जा रहे हो, आई थिंक दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर सेशंस. फास्ट करो थोड़ा, अरे बाकी सभी को ठीक लग रहा है, वीडियो क्यों ब्लर लग रही है कुछ को? मेरे को यहाँ पे वीडियो बिल्कुल ठीक है. चलो नेक्स्ट, अगर कोई इशू आता है वीडियो से, क्वालिटी से रिलेटेड, तो इकट्ठे अगर कुछ लोग कहेंगे देन आई विल सी. अभी के लिए सभी को ठीक लग रही है स्पीड, कुछ को थोड़ी फास्ट करने को कह रहे हैं, ठीक है? थोड़ी स्पीड तेज करते हैं, राइट? तो 216 से लेकर 230 तक के क्वेश्चन हम थोड़ा तेज करते हैं, ठीक है? तो सभी ने अपनी एक्यूरेसी यहां से मार्क करनी शुरू करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज फेसिंग डीपनिंग फाइनेंशियल एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पॉसिबली लीडिंग टू बैंकरप्सी इन 2022? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस क्या है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ अफ्रीका या लाओस? द राइट आंसर इज ए, श्रीलंका. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217, विच कंट्री हैज साइंड 3 लीज एग्रीमेंट्स इन इंडिया टू डेवलप स्ट्रेटजिक ट्रिकमोली ऑयल टैंक फार्म? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी. द राइट आंसर इज, अरे इसमें तो गलत आंसर मत दो यार, इसका तो राइट आंसर श्रीलंका है. त्रिनकमोली ऑयल टैंक फार्म याद रखना है श्रीलंका से, ठीक है? तो एग्रीमेंट के बारे में बता देता हूँ, होपफुली याद रहेगा. श्रीलंका के वहां पे त्रिनकमोली ऑयल टैंक फार्म है, जिसको कि इंडिया ने कहा है कि इसको इंडे डेवलप करेगा, उसको बेटर करेगा, बट इन रिटर्न इंडिया को भी एट टाइम ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो यूज करने का मौका मिलेगा फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है? तो पॉइंट याद रखो, त्रिनकमोली ऑयल टैंक फार्म इन श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, ठीक है? नेक्स्ट 218, विच ऑफ द टू कंट्रीज हैव साइंड अ लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट, द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट? इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया, यूएस इंडिया, इंडिया इजराइल? तो देखो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में भी हुआ है द रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, ठीक है? जल्दी जल्दी करना है, जिसको स्पीड तेज चाहिए चलो फिर जल्दी आंसर मार्क करो. The right answer for question number 218. The right answer is Japan, Australia.
आई गेस अगर किसी को उसकी वीडियो ब्लर लग रही है तो प्लीज सेटिंग्स में वहां पे आपके पास ऊपर ऑप्शन है, उसको हाई क्वालिटी पे एक बारी करके देखो, आपकी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जानी चाहिए, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 219, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड इट्स डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन ECNY पायलट वर्जन ऐप ऑन मोबाइल स्टोर्स, ठीक है? पायलट वर्जन होता है जो कि इनिशियली लाया जाता है जस्ट फॉर योर एक बारी चेक करने के लिए, ठीक है? तो ECNY डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन कौन सी कंट्री ने रिलीज किया अभी रिसेंट? ऑप्शन है जापान, चाइना, वेनेजुएला, ईरान या बोलिविया। तो वेरी गुड, चाइना इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू 2020, इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस गोइंग टू बी लॉन्च इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब देखो, मान लो एग्जाम में बैठे हो, यही क्वेश्चन आ गया आपके पास, अब इसको क्या माफ करोगे? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 220, मुंबई, 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 मुंबई। अभी भी किसी का कोची आ रहा है, पांजी भी आ रहा है, ठीक है? द राइट आंसर इज मुंबई, याद रखो मुंबई, ठीक है? नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ 30th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया हैज कमेंस्ड, जहां पे मेरे को लगता है अब जिसको आंसर पता होगा ना आगे वो पढ़ेगा ही नहीं, 30th एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक टाइज आंसर मार्क। बट अब याद करने के लिए कि इसको अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं, 30th एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया हैज कमेंस्ड नेगोशिएशन ऑफ ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एक छोटा सा हिंट, एक कमेमोरेटिव स्टैंप भी रिसेंटली लोगों के साथ इन दो कंट्रीज ने लॉन्च की है। द राइट आंसर इज इंडिया एंड इजराइल। वेरी गुड, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 221 डन। क्वेश्चन नंबर 222, आरबीआई हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। किसको कैंसिल किया है? सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है, COA को कैंसिल किया है आरबीआई ने, ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट ऑपरेटर्स। तो इनमें से किन दो पेमेंट ऑपरेटर्स के COA को भी कैंसिल किया है? ऑप्शंस क्या है? मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस, इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, या बोथ 1 और 2, या एबिक्स कैश। द राइट आंसर इज बोथ 1 और 2, इको इंडिया एंड मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस के COA को भी रिसेंटली कैंसिल किया है आरबीआई ने, ठीक है? नेक्स्ट, 223, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक गॉट शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस फ्रॉम आरबीआई। तो स्केड्यूल बैंक स्टेटस अभी किसको मिला है? फोन पे को, एयरटेल पेमेंट्स बैंक को, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, मुथूट फाइनेंस बैंक को, या फिनो पेमेंट्स बैंक को? 223 मोस्टली सभी का आंसर आ रहा है 333, पेटीएम, 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 कुछ का एयरटेल आ रहा है, ठीक है? द राइट, पेटीएम और एयरटेल के बीच में सभी के आंसर चल रहे हैं। द राइट आंसर इज एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है? नेक्स्ट, द फर्स्ट केस ऑफ फ्लोरोना डिजीज हैज बीन डिटेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो फ्लोरोना अभी कौन सी कंट्री में रिसेंटली पकड़ा गया है? क्या ऑप्शंस हैं आपकी? यूके, ग्रीस, माल्टा, इजराइल, फ्रांस। तो ऑलमोस्ट मिडवे ऑफ द सेशन पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है? 225th क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, आपने मुझे बताना है फ्लोरोना डिजीज कौन सी कंट्री में पकड़ा गया है। द राइट आंसर इज इजराइल, इजराइल, ठीक है? फ्रांस, यूके, जिस किसी ने भी मार्क किया है याद रखना, फ्लोरोना दिखे तो इसराइल को मार्क करके आना है। फ्लोरोना इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना का मिक्सचर था फ्लोरोना, ठीक है? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू 225, अ रिसर्च हैज फाउंड मड क्रैब रियो वायरस आल्सो नोन एज स्लीपिंग डिजीज टू कॉज मोर्टैलिटी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। फिडलर क्रैब, स्पाइडर क्रैब, वाइल्ड क्रैब, घोस्ट क्रैब, या कोकोनट क्रैब। क्या डिजीज का नाम क्या है? स्लीपिंग डिजीज, ठीक है? कॉमन नेम पूछा जाएगा तो स्लीपिंग डिजीज के साथ आपसे पूछा जा सकता है। वायरस का नाम क्या है? तो रियो वायरस याद रख के आना है, ठीक है? स्लीपिंग डिजीज को मार्क कर लो विद रियो वायरस। किसमें आता है? क्रैब के अंदर आता है। अब कौन सी स्पीशीज है इस पर्टिकुलर क्रैब की, ये आपसे पूछा गया है। डोंट नो, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने पहली बार अभी मार्क किया है। आई डोंट नो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के अंदर आई डोंट नो चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा अगर बाकी के आंसर आपके 100% श्योरिटी से आप मार करके आ रहे हो, ठीक है? तो अभी का राइट आंसर जो है वो है वाइल्ड क्रैब। ओके, एक और ने बोला है स्किप, कोई बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर, अब 225 तक हम आ चुके हैं, ठीक है? सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है? अभी आधा सेशन आज का हो गया है और गुडी, आज का गुडी क्वेश्चन अभी पूछना बाकी है, ठीक है? तो अगर सस्पेंस बना हुआ आपके लिए तो लाइक करो वीडियो को, ठीक है? तो चलो अब 226th क्वेश्चन देखते हैं। India's first man mission Gaganyaan is scheduled to be launched in which year? क्या options हैं? 2022, 2023, 2024, 2025 या 2030? तो Gaganyaan जो है इंडिया का पहला manned mission to moon है, ठीक है?
So the right answer is 33312. The right answer is 2023. ठीक है, तो अगले साल तक की उम्मीद है. चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चले. India, the Nainital Cave survey was in news. It is related to क्या ऑप्शन है? Survey of medicinal plants, endangered species, exotic plants, stars in the universe, या none of the above. तो नैनीताल केप सर्वे कहीं पे भी अगर आपको दिखेगा तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो मेडिकल प्लांट्स का सर्वे है, एंडेंजर्ड स्पीशीज का सर्वे, एक्सोटिक प्लांट्स का सर्वे है, स्टार्स इन द यूनिवर्स का सर्वे है, या नन ऑफ द अबव? तो द राइट आंसर, ओके, नन ऑफ द अबव इज नॉट द राइट आंसर. इसको हटा दो अभी के लिए यहां से. ठीक है, तो अब बताओ मुझे आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 227. द राइट आंसर इज Survey of stars in the universe. Option 4 was the right answer in this case. Moving on to question 228. Sea Dragon 2022 exercise has been held in which of the following locations? Options can be Bay of Bengal, Arabic Sea, South China Sea, Pacific Ocean, or Red Sea. The right answer for question number 228 ka answer CD2BOB. The right answer is Pacific Ocean. तो Pacific Ocean में Sea Dragon 22 exercise हुई है, right? Question number 229. The Wolf Volcano was in use. It is located in which of the following oceans? तो Wolf Volcano कहाँ पे located है? तो Wolf Volcano अभी recently news में था. कौन सी ocean में located है? Arctic Ocean, Pacific Ocean, Sea of Japan, Atlantic Ocean या फिर Southern Ocean? Pacific Ocean is the right answer. ठीक है, चलो next. उदकजाल award was in use. It is related to which of the following fields? अगर किसी को आंसर पता है, करेक्ट आंसर पता है, टेल मी कि किसको मिला है इस साल का अवार्ड? किसको मिला है इस साल का उदकजुल अवार्ड? ठीक है, द राइट आंसर इज लिटरेचर. एंड यहां पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस अवार्ड. सरा जोसेफ को मिला है इस साल के लिए अवार्ड. ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड है, याद रखना है. ओरिजिनेट कहां से होता है ये अवार्ड, ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. 1969 में पोएट जी शंकरा को ज्ञानीपथ अवार्ड मिला था, जिसकी खुशी में उन्होंने मलयालम लैंग्वेज में एक आउटस्टैंडिंग लिटरेचर अवार्ड स्टार्ट किया, जिसका की नाम है उदकजुल अवार्ड. आई एम होपिंग इतने इंफॉर्मेशन को जानने के बाद यू विल नॉट फॉरगेट दिस इन योर एग्जाम. इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी आपको आगे कभी भी ये दिखेगा तो आपको याद रहेगा इसके बारे में. ठीक है, 231. Famous writer Punya Prana Devi has passed away. She belongs to which of the following states? अब अभी तक के हमारे जो क्वेश्चन के साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, देख के लगेगा अरे राइटर यहाँ पे तो मेंशन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों में. ठीक है, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इतनी डिटेल में याद रखना, बट रिविजन का पॉइंट ही है कि आपको जो टेढ़ी चीजें हैं वो भी याद रहे. ठीक है, क्या ऑप्शन है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल या राजस्थान? तो मोस्टली सभी का आंसर जो आ रहा है वेस्ट बंगाल आ रहा है. उड़ीसा इज द राइट आंसर. उड़ीसा से याद रखो पुण्य प्रभा देवी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 232. 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? द ऑप्शंस आर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका. तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां पर हो रही है? फ्री के मार्क्स लूट लो. ठीक है, 232 का राइट आंसर, द राइट आंसर इज इंग्लैंड. ठीक है, एंड इंडिया की हॉकी टीम ने बोला था ना कि हम नहीं जाएंगे खेलने, बताओ मुझे चैट बॉक्स में कि सही बात है या नहीं है. ठीक है, 233, अरे सही बात है का मतलब अपना ओपिनियन नहीं देना है, करंट अफेयर बताना है कि सही है कि नहीं है. ठीक है, 233, द एशियन गेम्स वर गोइंग टू बी हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो एशियन गेम्स की बात हो रही है अब. ठीक है, एशियन गेम्स कहां पे होंगी? जापान, मलेशिया, चाइना, इंडिया या रशिया? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 233, यस, वेरी गुड, यस, इंडिया की हॉकी टीम ने कहा था दे विल नॉट बी प्लेइंग इन दी कॉमनवेल्थ गेम्स विच वर गोइंग टू बी हेल्ड इन बर्मिंघम. ठीक है, तो पहले की बात है, बहुत पहले का करंट अफेयर है, अभी के लिए 233 पर देखते हैं हम. द राइट आंसर इज चाइना. ठीक है, नेक्स्ट, मीट द चैंपियंस कैंपेन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था अपना मीट द चैंपियन इनिशिएटिव? ऑप्शंस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या बोथ? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स. ओके, द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 234, द राइट आंसर इज बोथ 1 एंड 3. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था मीट द चैंपियंस इनिशिएटिव. नेक्स्ट, हु टुक ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विस्तारा एयरलाइंस. विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ भी कौन बने हैं? वीके भावरा, रजनीकांत बालकृष्ण, विनोद करण, दीपक कुमार या अतुल केशव. क्वेश्चन नंबर 235. कम ऑन गाइस, आंसर करो जल्दी से. अगर नहीं आता तो बोल दो स्किप स्किप स्किप, कोई दिक्कत नहीं है. अगर गलत मार्क करना है, कहीं पे कोई गेस करना है तो उसको गेस करो, बट टू रिमेंबर द राइट आंसर आफ्टर दैट, राइट? सो कम ऑन, जोश बढ़ाओ वापस अपना. 235th क्वेश्चन पर है अभी, 65 क्वेश्चन अभी और रहते हैं, ठीक है? एंड तक ऐसी हाई जोश के साथ रहना जैसे स्टार्टिंग में रहे थे, ठीक है? और अभी तो हमारा गुडी क्वेश्चन भी है यार. चलो, अगर थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जोश कम हो रहा है तो गुडी के लिए अपना जोश हाई रखो. कम ऑन. ओके, तो देखो जितने जितने आंसर्स जो जो बैठे थे अब स्किप 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 कर रहे हैं. देखो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, स्किप करने से एक आदत बन जाएगी आपकी, तो वो जो आदत है वो आपको एग्जाम में यूज करनी है. रिविजन सेशन के अंदर स्किप मत करो, ठीक है? 10 में से कोई एक, 100 में से कोई एक क्वेश्चन को करना है स्किप कर लो, बट अगर कोई आंसर नहीं आता है तो गलत मार्क करो यार. सोचो कि अगर एग्जाम में मार्क करना होगा तो कौन सा करूंगा. द राइट आंसर अभी के लिए विनोद कनन, ठीक है? विनोद कनन याद रखना है, विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ. नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ONGC. तो ONGC की फर्स्ट वुमेन हेड कौन बनी है? जरूरी क्वेश्चन है या नहीं है मेरे को चैट बॉक्स में बताओ. ये इससे रिलेटेड फर्स्ट वुमेन, जो हमारे फर्स्ट वुमेन क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर धृति बैनर्जी, इसका इतनी बार हमने रिवीजन किया था. एंड आपको याद होगा कि नाबार्ड के सेकंड फेज वन के सेकंड ग्रुप सेकंड बैच के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था. अगेन द क्वेश्चन इज ऑन सिमिलर लाइंस, फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ONGC. द राइट आंसर इज, यहां पे बहुत लोगों का सही आंसर आया, अलका मित्तल. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 237. द आरबीआई हैज अपॉइंटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. तो आरबीआई के रिसेंटली अभी न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? दीपक कुमार, अजय कुमार चौधरी, दया पात्रा नवेतिया, बोथ 1 and 2 या एडी चंदो. द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 237 गाइस, आंसर आता है या नहीं आता है, you have to keep marking whatever you think is the right answer from question number 237 to question number 300. तो आज के सारे questions में आपने आगे के जितने questions हैं सभी में attempt करना है, ठीक है? चैलेंज लेके चलो इसको आगे के लिए. जो भी तक की गलतियां हुई हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपने जितने आंसर हैं सभी को यहाँ पे मार्क करना है. क्वेश्चन नंबर 237 का राइट आंसर है बोथ 1 and 2. तो नाम याद रख लो, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई. क्या नाम है? दीपक कुमार, अजय कुमार चौधरी, ठीक है? ये दो नाम को याद कर लो. नेक्स्ट, 238. DRDE has proposed to set up advanced biological defense research center at Gwalior, Madhya Pradesh. The laboratory will be of which of the following biosafety levels? तो ऑप्शंस क्या हैं? 4, 1, 2, 3 and 4. None of the above. मैं आपको भी बता रहा हूं ये सही जवाब नहीं है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 में से क्या सही जवाब है फॉर द लेबोरेटरी विच विल बी सेट अप एट ग्वालियर मध्य प्रदेश. 3 आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है. द राइट आंसर इज, अच्छा मुझे ये बताओ, BSL 4 के बाद BSL 5 होता है या नहीं होता है? ठीक है, 5 होता है या नहीं होता है? 5 होता है नहीं होता, उसको अभी के लिए बताओ. उसके बाद द राइट आंसर इज BSL 3 एंड BSL 4 के बीच में सभी के आंसर आ रहे हैं, नहीं होता. बिल्कुल सही जवाब, द राइट आंसर इज BSL 4. तो हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल की हमारी एक एडवांस बायोलॉजिकल डिफेंस रिसर्च सेंटर बन रहा है ग्वालियर मध्य प्रदेश. जो फोर्थ लेवल होता है वो बहुत ही, जैसे जो हमारे स्मॉल पॉक्स वगैरह जो वायरस होते हैं बहुत ज्यादा कंटेजियस होते हैं, उनके लिए रिसर्च फैसिलिटी बनाई जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट, रिसेंटली One Health High Level Expert Panel OHHLEP has produced a new comprehensive operational definition of One Health. Which of the following statements is or are correct to OHHLEP? Question देखो जरा कितना interesting question है. एक expert panel भी डाया गया है on OHHLEP. एक new comprehensive operational definition दी उन्होंने of One Health. तो अब उन्होंने पूछा है कि OHHLEP के बारे में कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं? आई एग्री, इसको अटेम्प्ट करने में टाइम लगेगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल, हमारे जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसके जैसा नहीं है ये,
थोड़ा सा इसको पढ़ के राइट आंसर मार्क करने में टाइम लगेगा. टेक योर टाइम एंड मार्क द राइट आंसर इस टाइम. ठीक है, इस बार ही सही आंसर मार्क करेंगे. OHHLEP was created by the heads of FOI, UNEP and WHO with the support from France and Germany. Right, option one. Right. Next, it was created at Berlin Peace Forum. Next, OHHLEP was launched with 26 selected key international experts. Both 1 and 3 correct, both 1 and 2 correct. तो आपको एक हिंट दे देता हूं, जो सही जवाब है वो ऑप्शन 4 एंड 5 में से ही है. ठीक है, तो जिस किसी ने भी, तो ठीक है, अंजलि, शिखा, दून, यू ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. बोथ 1 एंड 3 इज द राइट आंसर. ठीक है, तो ये वाली जो ऑप्शन है हमारी ये गलत है, तो ये दो ऑप्शन हमारी सही है. चलो नेक्स्ट. 240 रिसेंटली द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर गर्ल्स 2018-19 and 2020 वाज शेयर्ड. The GER of girls for 2019 in higher secondary has increased to dash. Not your typical general awareness question, but हमारे यहाँ पे current affairs की बात हो रही है. ठीक है, तो current affairs हमारे दूसरे sectors के भी यहाँ पर आएंगे, तो उनकी तैयारी करके चलना है. ऐसे questions आपको जरूरी नहीं है सिर्फ phase one में help करें. Phase one में तो qualify के लिए आपको questions बहुत मिलेंगे. ठीक है, ये questions आपको help कर सकते हैं in second phase, phase two of examination also. ठीक है, तो बहुत ध्यान से मार्क करो इस आंसर को. आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका सही जवाब? गाइस, इफ यू डोंट नो द राइट आंसर, इट्स टोटली फाइन. टेक अ गेस, टेक अ शॉट, टेक एनी आंसर, मार्क इट राइट. जब गुडी क्वेश्चन आएगा, आई एम प्रीटी श्योर सो मेनी ऑफ यू वुड बी मार्किंग द आंसर्स प्योरली आउट ऑफ गेसेस. तो उसी तरीके से अभी भी एक गेस लो, उसका बेनिफिट बताता हूं. ड्यूरिंग योर एग्जाम यू विल रिमेंबर कि गलत आंसर मार्क करके आया था. द राइट आंसर is 52.4. ठीक है, तो ऑप्शन 2 जिस किसी ने भी मार्क किया है, दैट इज द राइट आंसर. बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं. 241 द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हाईवे ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स वाज ऑर्गेनाइज्ड. ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस एमओयू साइन बिटवीन सीईआरओ एंड व्हिच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप एडिशनल व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज अंडर द वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी. तो ठीक है, क्या ऑप्शन है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश. तो किसके साथ सीईआरओ का एमओयू साइन हुआ है? 241 का ऑप्शन आ रहा है 1221 एमपी. तो द राइट आंसर इज, तो बेसिकली सभी के अलग अलग आंसर्स हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन. द राइट आंसर इज महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र का एमओयू साइन हुआ है विद सीरो, याद रखना है इसको. ठीक है, Moving on to question number 242. India and Dash announced technology-based energy solutions, innovations for net zero program. Innovations for net zero program. UK, USA, France, Germany or none of the above. So India and Dash, देखो India के साथ किस country ने भी launch किया है net zero program? Innovations for net zero program, इतना याद रखो. ठीक है, answer सही mark होगा exam के अंदर. Options क्या आ रहे हैं? UK, US. 1 and 2 के बीच में ही राइट आंसर आ रहे हैं. ठीक है, द राइट आंसर इज यूएसए. चलो नेक्स्ट. 243 एज पर रीसेंट डेटा इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एज ऑफ नवंबर 2021 इज डैश इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, देखो सेबी का एग्जाम है, मैं बता रहा हूं, बहुत ही पर्टिकुलरली डेटा सेंट्रिक टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. पहले के क्वेश्चन, पहले के एग्जाम्स भी हमने से डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चंस देखे हैं जहां पे कि आपसे सीधा डेटा पूछा गया है. तो 155.54 आ रहा है कुछ का एंड 150.54 आ रहा है कुछ का आंसर. ठीक है, द राइट आंसर इज, सो नेहा, आई थिंक आपकी जो लाइव फीड चल रही है थोड़ी पीछे चल रही है, लाइव बटन होगा उसको क्लिक करो एंड आप लाइव उस पर आ जाओगे साथ ही. ठीक है, तो फॉलो अप करो. द राइट आंसर इज 150.54. Question number 244. The Minister of State for Jal Shakti has shared information that government aims at providing potable water adequate quantity to every rural household through tap water connection by dash. तो देखो, aim पढ़ा यहाँ पे, Minister of Jal Shakti पढ़ा यहाँ पे, तो adequate quantity clean water to every rural household by options देखे 2024, 2025, 2026 या 2027 या none of the above. The right answer is, तो सभी का आंसर आ रहा है 2025 एंड 2026.
Raghav, Indu, you have given the right answer. That is 2024 is the right answer. ठीक है, तो विशाल ने भी सही जवाब दिया, very good. Moving on to question 245, which of the following state policy has decided to provide 1% reservation for transgenders across all ranks in the police department? तो police department में 1% reservation for transgenders कौन से अभी police department ने start करी है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो द राइट आंसर फॉर 245 कर्नाटका एंड कुछ का तमिलनाडु भी आ रहा है. द राइट आंसर इज कर्नाटका. ठीक है, 246 द यूनियन कैबिनेट हैज पास्ड अ प्रपोजल टू रेज लीगल मैरिज फॉर 18 to 21 इयर्स. द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन इन ऑफ अ फोर मेंबर टास्क फोर्स हेडेड बाय. तो वो जो हमारी टास्क फोर्स बनी थी उसके हेड कौन थे? विनोद पॉल, जया जेटली, दीप्ति शाह, वसुधा कमत या नजमा अख्तर? द राइट आंसर इज जय जेटली. ठीक है, तो 246 क्वेश्चन पर हम 247 क्वेश्चन. रिसेंटली डैश एंड यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड हैज अनाउंस देयर फर्स्ट एग्री टेक चैलेंज कोहोर्ट 2021 फॉर इट्स एम्बिशियस इनोवेटिव एग्री टेक प्रोग्राम अंडर द साउथ साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म. थोड़े लंबे क्वेश्चन है यार, मेरा भी गला सूख रहा है. थोड़ा राइट आंसर मार्क करो जल्दी, क्या है आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर. एंड अगर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो विल यू बी रीडिंग द होल क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड और यू विल बी जस्ट यू नो ऊपर ऊपर से पढ़ के राइट आंसर मार्क कर दोगे आप? तो जो जो आइकर मार्क कर रहे हैं आई थिंक दे नो कि मतलब आंसर को क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है एंड कैसे आंसर मार्क करना है. दैट इज ग्रेट. तो नो, ठीक है, द राइट आंसर इज अटल इनोवेशन मिशन. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248. The government of India has announced signing of a dash loan from Asian Development Bank for a housing project for the urban poor in Tamil Nadu. तो कितने का लोन है? ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ. कीवर्ड्स, मिंटू ने बोला कीवर्ड्स पढ़ेंगे, वेरी गुड. ऐसे ही ना इंटरैक्टिव सेशंस बना के रखो कि आप और मैं थोड़ी थोड़ी डिस्कशन भी करते रहे. उसके फायदे ये हैं जो अगर कोई नया स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको ऐसे छोटी छोटी ट्रिक से बहुत हेल्प और बहुत मोटिवेशन मिलती है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 248 द राइट आंसर इज 150 मिलियन. ठीक है, तो 249th क्वेश्चन जल्दी जल्दी से जो बोल रहे हैं कि ऊपर से पढ़ के हम आंसर वहां करेंगे, जल्दी से ऊपर से पढ़ो. एंड जिसको थोड़ा सा जो सुन रहे हैं हमारे सेशन को, मैं उसके लिए पढ़ देता हूं. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हैज शेयर्ड डेटा ऑन वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड रोड प्रोजेक्ट्स एंड द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव रोड इंजीनियरिंग इन द कंट्री. ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर इजंट इंप्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो जितना भी ऊपर का पड़ा डेटा वो आपके किसी काम का नहीं है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी स्टेट्स ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है? क्या ऑप्शंस है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? अब जिस जिसको सही आंसर पता है वो मार्क करो यहाँ पे. इसके साथ साथ मुझे ये बताओ इनमें से कौन कौन सी स्टेट्स ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पार्ट है, मतलब कौन कौन सी स्टेट्स ओवरऑल GNHCP का पार्ट है. तो पहले तो कौन सी स्टेट पार्ट नहीं है, दैट वुड बी योर आंसर. एडिशनल इंफॉर्मेशन करके मेरे को बताओ कौन कौन सी स्टेट्स GNHCP का पार्ट है. ठीक है, द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 249 इट इज तमिलनाडु एंड रेस्ट ऑल फोर ऑप्शंस आर द ओनली स्टेट्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स. तो आपको कौन कौन सी स्टेट्स को याद रखना है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश. यूपी, एपी, एचपी, राजस्थान, ये चार नाम याद रखिए, GNHCP का ये पार्ट है. ठीक है, नेक्स्ट 250th क्वेश्चन. ठीक है, तो एज पर द रीसेंट डेटा इंडिया हैज रजिस्टर्ड हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ डैश बिलियन. प्रोविजनल फिगर है, ठीक है, इन द ईयर 2020-21. ऑप्शंस क्या है? ओके, बिलियन में ही है. ठीक है, 61.97 US billion dollars, 71, 81, 91 या 51. तो इसका आंसर जल्दी से मार्क करो. 250th क्वेश्चन है, इसके बाद एनालिसिस करेंगे. 100 क्वेश्चन कर लिए आज हमने. आपके अकॉर्डिंग अभी तक आपके कितने आंसर्स राइट है? छोटी सी ब्रेक लेते हैं इसके बाद, ठीक है, सिर्फ 30 to 40 seconds की ब्रेक, जिसके अंदर आप मुझे सिर्फ इतना बताएंगे कि आपके अभी तक कितने सही जवाब रहे हैं. सही एकदम परफेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी थोड़ा सा चलेगी जो आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि ठीक आंसर आ रहे हैं. The right answer for 250th question is 81.97 billion US dollars. अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है इंडिया में of annual FDI inflow, right?
तो गाइस मुझे बताओ अभी तक का सेशन पसंद आ रहा है एंड आपके अभी तक कितनी एक्यूरेसी चल रही है, कितने सही कितने गलत आपने 100 में से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है एंड एक्साइटमेंट कितनी है आपकी इस गुडी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आज का गुडी क्वेश्चन बस आने वाला है। ठीक है, तो फिर इसको जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे एंड आज का सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। बट फर्स्ट टेल मी कितना 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 सीख रहे हो आज के सेशन में, कितने सही जवाब कितने गलत जवाब, कुछ थोड़ा सा एक एस्टिमेट दो। कम ऑन। ओके, कंसंट्रेटिंग सर 78 out of 100, दैट इज ग्रेट ग्रेट दून। ठीक है, तो वन अच्छा। ओके द राइट कंसंट्रेटिंग, ओके कंसंट्रेटिंग, चलो ठीक है कंसंट्रेटिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 251। लर्निंग अलॉट 75 एक्यूरेसी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, मैं बता रहा हूँ, रिवीजन सेशन है, इसके अंदर इतने क्वेश्चन है हमारे, इतने क्वेश्चन है, उसके अंदर भी अगर आपके 75 आंसर सही आ रहे हैं दैट इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी। लेट जॉइंट 41 out of 50, अगेन अबव 80% की एक्यूरेसी हुई, दैट इज ग्रेट, नो इश्यूज। बाकी के जो गलत आंसर है उनको प्लीज रिवाइज करते रहना, उनको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं। एज पर द इंफॉर्मेशन शेयर्ड रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ एविएशन सेक्टर इन द कंट्री, व्हाट परसेंट ऑफ एफडीआई इज परमिटेड इन स्केड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस डोमेस्टिक और स्केड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन सब्जेक्ट टू सेक्टोरल एंड अदर कंडीशंस। बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर आएगा, बाकी के आंसर्स अगर आते हैं तो जल्दी से उनको मार्क करो, इसको उस वक्त के लिए मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आप लैंग्वेज के अंदर फंस रहे हो। अगर आंसर आता है तो मार्क करके आगे चलो, नहीं समझ आ रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू करके भी आगे चलो, टाइम नहीं निकालना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है सही मार्क करने के लिए एंड बहुत क्वेश्चन है गलत मार्क करने के लिए भी, तो गलत मार्क करने वाले हमने मार्क ही नहीं करने हैं। अभी के लिए इसका जो सही जवाब है वो है 100%, तो 100% अलाउड है जी। ठीक है, चलो आगे देखें। The Department of Promotion of Industry and Internal Trade has launched the Unified Logistics Interface Platform Hackathon Logistics. ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड को ध्यान में रख लो, एग्जाम के अंदर ये दिखेगा, सो यही आपका की वर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। To crowdsource ideas to benefit the logistics industry, which of the following statements is are corrected related to ULIP? तो पढ़ो क्वेश्चन को, आगे की ऑप्शन क्या कहते हैं, ULIP was conceptualized as the technology platform in logistics sector. NICDC was mandated by NITI Aayog to develop ULIP by leveraging the logistics data bank project. ULIP is designed to enhance efficiency and reduce logistics cost in India. All of the above, both 2 and 3. तो क्वेश्चन नंबर 252, the right answer is all of the above. तो जिस किसी ने भी 4 आंसर को मार्क किया, that is great. Moving on to question number 253, which of the following states has become the first Indian state to organize a drone mela? तो drone mela कौन सी state में हुआ है? ऐसे क्वेश्चन ना मेरे को पक्का बता यार, सभी याद रखते हैं क्योंकि बहुत इजी होते हैं। ड्रोन मेला कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट 254, थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है क्वेश्चन का, दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जल्दी से पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज नोटिफाइड डैश अमेंडमेंट रूल्स 2021 एंड द मिनरल ऑक्शन डैश अमेंडमेंट रूल्स। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, द राइट आंसर इज okay, so a few of you are still in the previous question, that is all right. अभी का जो question है 254 को skip. ठीक है, ऐसे question को कभी कभी skip, मतलब ठीक है ऐसे question को skip कर सकते हो, याद करो यहाँ पे evidence of mineral contents का second amendment है, ठीक है, और mineral auction का fourth है, तो ये चीज याद करके I hope exam में अगर आता है तो आपको याद रहेगा, second and fourth, mineral contents and mineral auction. Next, the World Bank has announced dash replenishment package of the International Development Association IDA का क्या package आया है? $84 billion, 93, 73, 88 या 79? तो the right answer for 255 is 84, 93. तो सही है, the right answer is $93 billion, right? 256, the Government of India and dash have signed $112 million loan to set up Assam Skill University at Mangal Doi Darang District. So the right answer is, to Government of India ke sath kisne sign kiya hai $112 million loan. The right answer is ADB. Theek hai? Next, recently World Economic Forum has postponed its annual summer meeting of 2022 due to the outbreak of Omicron. What was the theme of annual meeting? So, न्यूज में आई बहुत, हमने वी रेगुलरली सी डिफरेंट मीटिंग्स, डिफरेंट यू नो समिट्स कमिंग अप इन न्यूज, दिस
summit, this meeting came up in news for a special reason, that it was cancelled due to coronavirus. Right. Now, what has been asked is the theme of the annual meeting. The options are stakeholders for cohesive sustainable world, crucial year to rebuild trust, globalization 4.0, working together restoring trust, yeah, none of the above. The right answer is working together restoring trust. Theek hai, chalo ji. 258. Indian government and European Investment Bank have signed finance contract for the first tranche of loan of Dash for Agra Metro Rail project. The options are 150 million euro, 250 million euro, 350 million euro, 450 million euro and 550 million euro. So the right answer for question number 258, it is, the right answer is 250 million euro. So yaad kaise kare Agra Metro Rail project 250 million euro. अब देखो कोई ऐसे special trick तो है नहीं, but आगरा metro rail project से related कितने ही questions हमने अभी तक किए हैं, बहुत, मतलब मेरे को लगता किए भी हैं, ठीक है? तो ये 250 million euro का उसको loan मिला है, first tranche of loan है, मतलब पहला part मिला है अभी loan का. Next, the Haryana government has passed Haryana excise bill which will reduce the drinking age from dash to dash years. तो हरियाणा में drinking age घट के कहां से कहां पे पहुंच रही है, 21 to 18, 23 to 21, 23 to 18, 25 to 21 या 25 to 23. The right answer is 25 to 21, right? Question number 260. The Wildlife Protection Amendment Bill 2021 was introduced by Union Environment for better implementation of CITES sites. What does C stand for, the acronym in sites? The right answer for question number 260, Conservation Convention Conference Confederation. The right answer for question number 260. तो कुछ का आंसर आ रहा है 4, कुछ का आ रहा है 1, कुछ का आ रहा है 2. The right answer is convention. तो convention, ठीक है, sites में C की full form है convention, right? So moving on to question number 261. Recently, the Minister of State for Jal Shakti has shared information regarding government initiatives for use of groundwater and surface water. When was the National Water Policy formulated? So, National Water Policy kab aayi thi? Options kya hai? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2009. So, the right answer for 261, option C mark kar rahe hain, 4 mark kar rahe hain, the right answer is 2012. 2012 mein National Water Policy was formulated. Question number 262, who was presented with the prestigious Global Environment and Climate Action Citizen Award for the climate action? Ashwini Kumar Sharma, Madhu Pandit Dasa, Gaur Gopal Das, Viral Desai, and none of the above. The right answer is option 4, that is Viral Desai, theek hai? Question number 263, Center for Economics and Business Research in its annual World Economic League table has predicted various things for India's world economy. It has predicted India will regain 6th position from France next year and become the third largest economy kis saal banegi India according to CEBR 2025, 2026, 2028, 2030 and 2031. Come on guys, the right answer for 263, and I assure you, I promise you, We are very close to a goodie question, ठीक है? तो excitement थोड़ी बढ़ा लो, goodie question आने वाला है. इतनी मेहनत से इतने questions आपने सही attempt किए हैं, इसका final prize अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगा in the form of our goodie question. तो come on, boost up your confidence, boost up your josh. कैसा है josh? तो इसका जो answer आ रहा है mostly वो आ रहा है option 4, but the right answer is option 5, that is 2031. So 2031 mein expected hai ki India third largest economy ban jayegi. So Neeraj, a big shout out, a big high five to you for keeping the josh high. Gaurav ka bhi josh aaya, bahut badhiya. Chalo, for 264, the Office of Economic DPIIT has released the index of 8 core industries for November 2021. Combined index of 8 core industries increased by dash in November 2021. 3.1%, 1.2%, 4.3%, 2.8%, 3.7%, come on. मार्क करो, बहुत अच्छा, जिस जिसका भी जोश आए, दून का क्यों जोश लोगे सडनली, वो क्यों बोल रहे हैं, लो कम ऑन दून गिटारिस्ट यार, कैसे मजा आता है गिटार बजाने में स्टेज पे, वैसे उसी तरीके से अपना जोश को आए रखो, ठीक है? चलो, सो मोस्टली सभी का जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 1, ठीक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज 3.1%. सो आई थिंक जिस किसी ने भी 3 या 1 मार्क किया, दे उनको इकट्ठे करके 3.1 कर लो,
ठीक है, द राइट आंसर इज 3.1. द राइट आंसर इज ओके. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22, 265. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ न्यू इलेक्ट्रिक न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिलेटेड टू द पॉलिसी. जल्दी से ऑप्शंस को पढ़ो यहाँ पे, ठीक है. छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे को पानी पीना है. सो थैंक यू. सो 265 राइट आंसर. सो सुरेखा हैज सेड फिफ्थ ऑप्शन. दून इज सेइंग बोथ 1 and 2. दून आपका तो मेरी स्पेशल नजरें हैं, ठीक है. अपनी जो एनर्जी है वो हाई रखो, ठीक है. सभी की एनर्जी आई है, सभी की एनर्जी हाई रहनी चाहिए सेशन के एंड तक, ठीक है. तो 265 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3. इट एम्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल टू ऑल हाउसहोल्ड्स इन द नेक्स्ट 4 years. अगले 4 सालों में नेशनल न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का ये एम है कि अगले 4 सालों में हमारे को सभी घरों में बिजली पहुंचानी है, ठीक है. चलो, दून की भी एनर्जी हाई होगी, बहुत बढ़िया यार. ओके. Which of the following states has pegged first position in the implementation of Shyam Prasad Mukherjee urban mission? ठीक है, urban mission. तो कौन सी स्टेट की first position आई है SP? Incorrect, नहीं देखा सर. Okay, तो ठीक है, इसको एक बार ही read कर लेते हैं अगर किसी का miss हो गया तो. Next question को 2 मिनट में अभी करते हैं कवर, इसको पहले जल्दी से complete कर लें जिस किसी का भी miss हो गया है. Question ये कह रहा है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, ठीक है. ओके ओके ओके, आई थिंक मेरी तरफ से फंबल हुआ है रिगार्डिंग, मैंने बोल दिया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. द क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 3, दैट इज इट एम्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल टू ऑल हाउसहोल्ड्स इन द नेक्स्ट 4 years. तो बाकी के ऑप्शन कह रहे हैं, इट विल ऑल्सो एड्रेस वेरियस इश्यूज सच एज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एंड टारगेटेड सब्सिडीज. It also envisages the creation of electric vehicle charging stations, smart meters, power markets, environment and more. It aims to make electricity available in next 4 years, both 1 and 2, yeah, none of the above. So the question said which statement is wrong. The wrong statement is option 3. So that would be your answer. ठीक है, sorry for the fumble. ठीक है, question number 266. Question number 266. Which of the following states has pegged first position in the implementation of the Shyam Prasad Mukherjee Rural Urban Mission SPMRM. अरे तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मिंटू, इज सेइंग मैंने इनकरेक्ट ही बोला था. तो फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अपने को यहाँ पे क्या याद रखना है कि वो जो 4 years वाली लाइन है वो गलत है, ठीक है. द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वर राइट. सो क्या इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी के लिए. SPMRM किस स्टेट को फर्स्ट पोजीशन मिली है? द राइट आंसर इज तेलंगाना. 266 का राइट आंसर है ऑप्शन 5, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एमएचए हैज फॉर्मड 5-member कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द विथड्रॉल ऑफ अफ्सपा इन नागालैंड. हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द कमेटी? तो अफ्सपा को हटाने में नागालैंड के लिए एक जो कमेटी फॉर्म की गई है उसको कौन हेड कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 267. The right answer for 267, it is Vivek Joshi. ठीक है. Next, 268. Which of the following companies has recently acquired L&T Investment Management Limited? तो Larsen & Toubro Investment Management को किसने लिया है? The options are SBI Mutual Fund. तो 97th World Tansen Festival has been organized in which of the following states? The right answer is Gwalior. गाइज, जो एक अभी पिछले क्वेश्चन में हमारा न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को लेके एक फंबल हुआ है राइट. तो कुछ ने मेरे को कमेंट यहाँ पे चैट बॉक्स में भी सम मेंशन दैट आई फंबल्ड इन सम वर्ड. वी विल डिस्कस इट इन द एंड ऑफ द सेशन, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, ठीक है. तो एंड के सेशन के एंड में उस क्वेश्चन को हम पूरा अच्छे से भी डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है. तो वंशिका इज सेइंग ऑडियो गॉन, लेट मी चेक. तो वंशिका, मेरे को ऑडियो बिल्कुल ठीक आ रही है, प्लीज एक बार आप वहां से फिर से इसको रीसेट करो. ब्लर विजन ओके, अब ठीक है, चलो गुड. तो कंटिन्यू करते हैं. आई विल रिपीट इट वंस अगेन, जो एक क्वेश्चन में भी पीछे फंबल हुआ है उसको एंड में आगे हम डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है. तो स्टिक करना है सेशन के एंड तक. क्वेश्चन नंबर 270, अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन कंफर्ड विद द नेशनल कालिदास अवार्ड फॉर 2020.
तो नेशनल कालिदास अवार्ड 2020 अभी किसको मिला है? अरे तो नेशनल कालिदास अवार्ड किसको मिला है? द राइट आंसर इज पंडित भजन सोपरी. ठीक है, राइट आंसर तो दून राइट. आई एग्री, गलती हो जाती है, बट माई पॉइंट इज जो वहां पे जो भी डिस्कस करने वाला है हम उसको सेशन के एंड में डिस्कस करके जाएंगे, बिकॉज आई एम श्योर कि कुछ भी गलत मार्क नहीं है. देर हैज बीन सम कंफ्यूजन बिटवीन यू एंड मी व्हाइल वी वर कम्युनिकेटिंग थ्रू द चैट बॉक्स. तो उस क्वेश्चन को हम एंड में डिस्कस करके जाएंगे, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 271. द डिफेंस मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्लास 70 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज. द ब्रिज इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. इसके साथ साथ और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस ब्रिज के बारे में, ब्रिज के अंदर क्या स्पेशलिटी है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है. एंड 271st क्वेश्चन है, मार्क करो इसका आंसर. आई एम टेलिंग यू हमारा गुडी क्वेश्चन बहुत पास है हमारे. तो हाई जोश के साथ एकदम अपने हाथों को, मतलब अपने आंखों कानों हाथों को सभी को गर्म कर लो, ठीक है. जल्दी से मार्क करेंगे गुडी क्वेश्चन को और लेके जाएंगे गुडी को घर. अभी के लिए इसका राइट आंसर बताओ मुझे. द राइट आंसर इज सिक्किम. ठीक है, तो सिक्किम में इनॉग्रेट हुआ है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस क्लास 70 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज. 272. द प्राइम मिनिस्टर हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ लखोर मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड. लखोर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लखोर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर बन रहा है, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, भागीरथी, यमुना या पिंडार. द राइट आंसर इज यमुना. ठीक है, तो ठीक है इस पे फिर से. ठीक है, द राइट आंसर इज यमुना. व्हाट अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द एसेंशियल कमोडिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. आई नो ऑल ऑफ यू विल मार्क द राइट आंसर. तो आप आंसर्स मार्क करो, मैं आपको यहाँ पे एलिमिनेट करके बताऊंगा कि कौन सा आंसर इसमें से नहीं है. ठीक है, तो द राइट आंसर फॉर ओके, समवन इज सेइंग ऑप्शन वन बी वन टू, तो सोया इज द राइट आंसर. वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी का ही सही जवाब आया है यहाँ पे. 274. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली बिकम 10th नॉन यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन यूरोपोल. तो यूरोपोल की 10th नॉन यूरोपियन कंट्री कौन सी बनी अभी? नामीबिया, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील या नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 274, कम ऑन मार्क योर आंसर्स क्विकली क्विकली गाइस. थोड़ी एनर्जी लाओ वापस से, अगर नहीं आता है तो स्किप करके आंसर को बताओ. नहीं, अगर गलत मार्क करना है तो गलत मार्क करो ताकि राइट आंसर आपको याद रहे, बट कम ऑन बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स. द राइट आंसर इज साउथ कोरिया. साउथ कोरिया हैज बिकम द 10th नॉन यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन यूरोपोल. द राइट आंसर फॉर 275. IPPB has signed an MOU with which of the following bank to offer various banking products and services to its customers in semi-urban and rural areas. So semi-urban and rural areas mein India Post Payments Bank mein ne kiske sath MOU sign kiya hai to offer its various banking products. Kya options hain? HDFC Bank, SBI Bank of Baroda, Union Bank of India, Punjab National Bank. To SBI jis kisi ne bhi mark kiya hai wo galat jawab hai. HDFC Bank yaad rakho. HDFC Bank, HDFC Bank, theek hai. तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? आई वुड से इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है वो, अपनी प्रेजेंस, अपना एक पार्ट जो है इस बड़ी ग्रोथ का रूरल इंडिया की तरफ डाइवर्ट करना चाहता है. तो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के साथ एक एमओयू साइन करता है टू बिल्ड इट्स कस्टमर सपोर्ट इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, राइट. नेक्स्ट 276. सिमोर्ग सैटेलाइट कैरियर रॉकेट हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो सिमोग सैटेलाइट कैरियर किसने लॉन्च किया? यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमन, ईरान या इजराइल. नहीं, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक है, ठीक है. तो बिल्कुल सही बात है दून की, एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड काफी न्यूज है एंड इट इज इंपॉर्टेंट. वेरी गुड, तो द राइट आंसर इज ईरान, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 277. रिसेंटली द इंडियन नेवी अंडर मिशन सागर हैज डेवलप्ड INS डैश इन द पोर्ट ऑफ मपोटो मोजम्बिकू, ठीक है. मिशन सागर के अंदर कौन सा INS अभी रिसेंटली बना है? विक्रमादित्य, केसरी, घड़ियाल, सैदरी या किल्तान. 277, कम ऑन गाइस, मार्क द राइट आंसर. तो किल्तान, केसरी, दो आंसर आए हैं अभी तक, ठीक है. द राइट आंसर इज केसरी, ठीक है. तो गाइस जोश कैसा है? अगर जोश हाई है तो थम्स अप भेजो चैट बॉक्स में, ठीक है. सो नाउ 278. As a part of the largest single transfer of white rhinos, 30 white rhinos have been recently transferred
to South Africa to Rwanda. White rhinos are included in which category of IUCN Red List? The right answer is, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे यार, एक करंट अफेयर बताया गया आपको कि अभी रिसेंटली लार्जेस्ट सिंगल ट्रांसफर ऑफ व्हाइट राइनोज हुआ है, कहाँ से कहाँ हुआ है आपको याद रखना है फॉर योर करंट अफेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि व्हाइट राइनोज IUCN की कौन सी कैटेगरी में आते हैं? द राइट आंसर इज नियर थ्रेटन्ड। तो यहाँ पे लो जी, अभी दून ने बोला उसका कॉन्फिडेंस सॉरी उसकी जो एनर्जी है वो है लो, तो लो को हाई करने के लिए आ गया है हमारा गुडी क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट वीडियो के गुडी क्वेश्चन के विनर को मैं बता देता हूं एक बारी क्या क्या मिला है। ये लास्ट वीडियो की बात हो रही है, इस वीडियो के विनर को क्या मिलेगा वो हम कल बताएंगे, ठीक है। एक 1000 का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर, ठीक है। एक एडियोटाइप की स्पेशल नोटबुक, वेरी हैंडी एंड इजी टू कैरी। एंड लास्टली अ स्पेशल एडियोटाइप मग। तो ये लास्ट वीडियो के विनर को मिला है। आज के विनर को क्या मिलेगा ये हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, जहां पे कि हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम दी जनरल करंट अफेयर्स सेशन। तो मैं आपको भी बता दूं आपका अभी का टास्क क्या है। 10 seconds मिलेंगे बिफोर आई टेल यू द राइट आंसर। तो 10 seconds का यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं क्वेश्चन दिखते ही यहां से साइड पे हो जाऊंगा। आपने मेरे को सही जवाब नीचे मार्क करना है इसके अंदर चैट बॉक्स के अंदर। द फर्स्ट पर्सन टू मार्क द राइट आंसर विद इन दोस 10 seconds उसका स्क्रीनशॉट कल शेयर होगा। द विनर हैज टू सेंड अस एन ईमेल एट hello@edutab.co.in। तो जिसका भी जोश लो था, जोश हाई कर लो। आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन इन नेक्स्ट 3, 2, and 1। राइट तो बता दो मुझे आपका जोश हाई है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 279 क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है टीम ने हराया अभी विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु को, और फर्स्ट टाइम जीती है वो विजय हजारे ट्रॉफी। तो बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। गुडी क्वेश्चन आंसर, द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो कोई भी विनर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा, उसको क्या मिलेगा ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो डू ज्वाइन अस फॉर आवर नेक्स्ट सेशन। तो अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। एंड में हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या हमारी एक्यूरेसी रही, क्या आपकी आगे की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए टू मोर ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा सही आंसर्स मार्क हों। एंड एनईपी के बारे में वो जो क्वेश्चन था उसको हम क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, लक्ष्य की ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उसने बोला है ऑलवेज हाई, जोश इज ऑलवेज हाई। तो कल के विनर हैं हमारे गौरव, तो उनका स्टार्टिंग में आपको वहां पे नाम दिखाया था, ठीक है। गौरव वॉज द विनर ऑफ आर प्रीवियस वीडियोस क्वेश्चन। अब आगे का सेशन सिर्फ 20 questions रहते हैं, हाई जोश के साथ इसको प्लीज सेशन को कंटिन्यू करो ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में इसकी जो कंटिन्यूएशन है वो स्मूथली चलती रहे। 280 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम फिफ्थ इंडियन पेसर टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स। तो 200 टेस्ट विकेट्स अभी किसको मिली है? हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, श्रद्धुल ठाकुर, मोहम्मद शमी या उमेश यादव। द राइट आंसर इज मोहम्मद शमी, ठीक है। नेक्स्ट 281, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। डेप्यूटी एनएसए अभी किसको बनाया गया है? ऑप्शंस क्या है? संदीप शर्मा, विक्रम मिश्री, रमन दिलो, गौरव बसिनिया, none of the above। The right answer is विक्रम मिश्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following banks has acquired minority stake in JSW Cement? ऑप्शंस क्या है? HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक या PNB बैंक। The right answer is स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Next 283, world's largest metro line has been opened in which of the following countries? तो इसके साथ साथ जिसको राइट आंसर पता है मुझे बताओ उसकी लेंथ कितनी है, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन की। ऐसा क्वेश्चन हमने नाबार्ड के फेज 1 के जीए सेशन में देखा था, जहां पे उन्होंने पूछा था आईएन दुबई जो सबसे बड़ा हमारा वो व्हील बना है उसकी हाइट कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ एक टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत ईजिली जुड़ सकता है, उसकी लेंथ कितनी है। The right answer is China length है 803 किलोमीटर। तो 803 किलोमीटर की आपकी मेट्रो की लाइन, बहुत लंबा डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट, which of the एक छोटी सी छोटा सा पॉइंट,
किलोमीटर्स में ही आना चाहिए मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, बट माइल्स के अंदर भी इसको थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेट में याद रखोगे तो सही रहेगा. नेक्स्ट, which of the following has recently announced retirement from all forms of cricket? Now a lot of retirements keep coming up. Remember, all forms of cricket लिखा है यहाँ पे, मतलब उन्होंने क्रिकेट टोटली खेलना बंद कर दिया है. Dwayne Bravo, AB de Villiers, Harbhajan Singh, Dale Steyn, none of the above. The right answer is Harbhajan Singh. ठीक है, AB de Villiers की भी retirement आई थी recently, but all forms of cricket से जिसकी retirement है वो है Harbhajan Singh. Next. The Prime Minister and late foundation son of Major Dhyanchand University, which are the following places? Gurugram, Noida, Delhi, Meerut, or Ghaziabad. The right answer for 285. Come on guys, the right answer for 285 it is Meerut. ठीक है? तो Meerut में Major Dhyanchand Sports University के foundation stone को भी ले किया है प्रधानमंत्री जी ने. 286. An application to seek GI tag for the Apatani textile product has been filed. The textile belongs to which of the following states? Uttar Pradesh, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान या कर्नाटका. तो कहां से बिलोंग करता है हमारा अपार्टनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट? द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. तो थोड़ा सा ऐसे जब आप विजुअल देखोगे कि कैसा दिखता है, आई होप कि इससे आपको ध्यान में रहेगा कि जहां कहीं पे भी अपटानी टेक्सटाइल लिखेगा आप आंध्र प्रदेश ही मार करके आएंगे. ठीक है जी. 287. इंडियाज रैंक इन वाडाज रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोपिंग वायलेटर्स. तो ये जो रैंक है इंडिया की क्या है, एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोपिंग वायलेटर्स बाय वाडा रिपोर्ट. क्या ऑप्शन है, सेवंथ, फिफ्थ, सेकंड या फोर्थ? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27, द राइट आंसर इज थर्ड. तो थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं गाइस. आज का बहुत बड़ा नंबर हमने अचीव किया है आज के क्वेश्चंस का, तो अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू ऑल. ठीक है, जिस किसी ने भी इस वीडियो को एंड तक देखा है उसके लिए एक बहुत बड़ा मेरी तरफ से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है. एंड एंड में एक छोटी सी डिस्कशन करके जाएंगे. आई नो टाइम थोड़ा लेट हो रहा है, बट अगेन छोटी सी डिस्कशन फॉर योर मोटिवेशन टू जस्ट प्रेप अप टू बूस्ट अप फॉर योर एग्जाम. राइट, द राइट आंसर इज थर्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. द काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल हैज बीन इनॉग्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल कहां पे इनॉग्रेट हुई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? कम ऑन गाइज, आंसर्स मार्क करो चैट बॉक्स में. कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. The right answer for question number 288, it is Uttarakhand. ठीक है, तो Uttarakhand is the right answer for Kakra Crocodile Trail. तो चलो next. I am hoping, I know I am going a little fast, but again we have to cover a lot of things. Kakra Crocodile Trail को याद रखना Uttarakhand से. ठीक है, which of the following countries has agreed to close 7 aging nuclear reactors by 2025? बहुत ही ज्यादा highlight में रही है ये news. 7 nuclear reactors याद रखने हैं, पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं किस कंट्री में 2025 में ये बंद हो रहे हैं? तो राइट आंसर इज बेल्जियम. बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम में बंद हो रहे हैं उनके 7 पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2025. व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डेट याद रखनी है. द राइट आंसर इज December 23. नेक्स्ट, who among the following has been recently awarded the Kendra Sahitya Academy Award for Hindi language? Hindi language के लिए particularly mentioned है, ठीक है? तो the right answer is Daya Prakash Sinha. Kudos to all of you for keeping up with the pace. 292 question number. India signed an MOU with which of the following countries to launch pilot project on pre-arrival customs data exchange? तो बेसिकली कस्टम्स के काम को तेज करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड से एमओयूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है इसको. द राइट आंसर फॉर 292, द राइट आंसर फॉर 292 आंसर इज मालदीव. ठीक है, नेक्स्ट, who among the following has won bronze medal at International Ski Federation Alpine Skiing Competition? तो यार तो देखो एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा कौन है, बट आई होप किससे आपको याद रहेगा आंसर एग्जाम के लिए. द राइट आंसर इज आंचल ठाकुर. ठीक है, आंचल ठाकुर. सो रिमेंबर, आंचल ठाकुर को मिला है ब्रॉन्ज मेडल एट FIS एल्पाइन स्कीइंग कंपटीशन. 294, who has been awarded the most effective bank fintech partnership, agile and adaptable at IBS Intelligence Global Fintech Innovation Awards? 294 the right answer is Federal Bank. ठीक है, very good. तो चलो अब 295 पे.
who among the following has taken charge as MD and CEO of J&K Bank? MD and CEO कौन बने हैं of J&K Bank? तो I am hoping कि आप 295th question है guys, come on 295th question का answer दो. So the right answer is Baldev Prakash. Very good. Shikha ने बिल्कुल बहुत तेजी से और बिल्कुल सही जवाब दिया है. Very good Shikha. Moving on to 296. The Union Minister of Coal Mines and Parliamentary Affairs has shared information regarding the various health and welfare measures of for mine workers. The safety health and welfare of workers of employed in mines are regulated by. So I would say this is a very good question. And generally, ऐसे questions derived होते हैं हमारे किसी current affairs से. इसके अंदर की हमारे माइन वर्कर्स के राइट्स को लेके कोई बात चल रही है तो उसके साथ ये पर्टिकुलर चीज आई एम श्योर कि बहुत बार एग्जाम में करंट अफेयर्स में न्यूज में बहुत बार कवर की गई होगी एंड दैट इज द रीजन सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो ऐसी प्रैक्टिस बना लो कि जो कुछ भी पैरेलल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स दैट इज इंपॉर्टेंट. द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 296. 3, 2, 1 द राइट आंसर इज ऑप्शन 4. तो आंसर 3, 2, 1 आंसर इज 4. द राइट क्वेश्चन नंबर 297. एज पर इंफॉर्मेशन बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड डैश टू स्टेट्स एज सेंट्रल असिस्टेंस टू सपोर्ट स्टेट्स यूटीज प्रोवाइडिंग विद फूड सिक्योरिटी अलाउंस. सो द राइट आंसर फॉर 297 इज ऑप्शन 1 दैट इज 12,882.11 करोड़ रुपीज. ठीक है जी 297 को स्किप किया है. ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक द रेट ऑफ स्किपिंग क्वेश्चंस इज फेयरली लो एंड दैट इज अ गुड थिंग. ठीक है 298 वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ द सेशन. मार्क करो लास्ट के तीन क्वेश्चंस हैं. एक छोटी सी गेम खेलते हैं. तीन में से तीन क्वेश्चंस ठीक करके दिखाने हैं आपने. मार्क ऑल द आंसर्स करेक्टली. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे. नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज लॉन्च कन्वर्क 2021-22. अमेरिका मोबिल रिलायंस कम्युनिकेशन भारती फाउंडेशन डीटीएस या नन ऑफ द अबव. तीन आंसर तीन क्वेश्चंस बचे हैं. तीनों सही मार्क करने हैं हमने यहां पे. ठीक है वंशिका इज सेइंग क्या मिलेगा. खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा. इससे बड़ी चीज और क्या मिल सकती है. खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि लास्ट के तीन क्वेश्चंस ठीक कर दिया. अंत भला तो सब भला. ठीक है तो आज का थर्ड सेशन है हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 500 एमसीक्यूज का. थर्ड सेशन के लास्ट के थ्री क्वेश्चन सही करके जाओगे. ठीक है The right answer for 298 is option C, that is Bharti Foundation. ठीक है जी चलो next 299. The Minister of State for Education has shared information about the various schemes launched for promotion of research and innovation schools. Which of the following schemes program is not launched by Ministry of Education? A very very good question. A very good question. ठीक है तो Ministry of Education की कौन सी इनमें से scheme नहीं है. टॉयकथॉन 2021, विज्ञान ज्योति स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान या समग्र शिक्षा. तो सारे इस आंसर का इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे. ठीक है 299th क्वेश्चन कम ऑन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का. कौन इनमें से कौन सी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर नहीं आती. द राइट आंसर फॉर 299 ओके सो मोस्टली I think everyone is going with option A, Toykathon 2021. The right answer is Vigyan Jyoti. Vigyan Jyoti, Ministry of Education ne launch nahi kari thi. Toykathon 2021 ke baare mein, jisko pata hai, thoda sa detail chat box mein share karo, right? To next, aaj ka last question, question number 300. To 300 questions cover ho gaye hamare. 200 questions rehte hain, upcoming sessions mein wo discuss honge. As per periodic labor survey in the year 2019-20, labor force participation rate for persons aged 15 years and above rose significantly to dash. मैंने सही बताया विज्ञान ज्योति. तो दून अब तो मतलब जोश मेरे को लग रहा है एंड के सेशन में तो बिल्कुल हाई रहा है दून का. ठीक है तो बाकी सभी आंसर मार्क करो क्वेश्चन नंबर थ्री का एंड वन अभी क्वेश्चन नंबर 300 का. तो थर्ड क्वेश्चन हमारा जो स्ट्रीक चलानी है हमें. ठीक है तो आई थिंक सुरक्षा इज सेइंग फिफ्थ वंशिका इज सेइंग फोर्थ फिफ्थ फर्स्ट पवन इज सेइंग फर्स्ट एंड ओके द राइट आंसर इज 53.5%. ठीक है एक छोटा सा नोट बना के रख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए जस्ट टू रिमेंबर.
तो ठीक है, वंशिका सिंह विज्ञान ज्योति स्कीम इज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो वेरी गुड. ठीक है, विज्ञान ज्योति स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करी है. रेस्ट ऑल स्कीम्स आर लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आई होप दिस इज क्लियर. तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है. अभी जिस किसी को भी डाउट है रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन ऑन एनईपी तो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं. लक्ष्य सिंह आभार आपका सर. अरे थैंक यू, बट आभार की कोई बात नहीं है. इट इज माय जॉब, इट इज माय प्लेजर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट पॉसिबल रिवीजन सीरीज फॉर यू ऑल. एंड वी ऑल ऑफ अस फ्रॉम द एडुटैब टीम आर रियली रियली हैप्पी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट कंटेंट फॉर यू ऑल. सर पीडीएफ कब आएगी इसकी? कल इसकी पीडीएफ आई अश्योर यू बाय 11:30 o'clock इट विल बी अपलोडेड डेफिनेटली. ठीक है, इट इज माय प्रॉमिस टू यू 11:30 o'clock आके देख लेना, नीचे पीडीएफ सेशन की मिल जाएगी. तो ठीक है, जल्दी से पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे उस क्वेश्चन को. तो एनीवन, तो पहले तब तक के लिए जल्दी से मेरे को कमेंट चैट बॉक्स में बताओ कि आपकी क्या एक्यूरेसी रही इन दीज 150 क्वेश्चंस. तो 150 वन से स्टार्ट करके 300 क्वेश्चंस में से अकॉर्डिंग टू यू क्या एक्यूरेसी रही आपके आज के सेशन में. ठीक है, कल कौन आएगा? सो कौशिक सर एंड गुरकीरत सर विल बी टेकिंग दी नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस. तो ये हमारा क्वेश्चन था. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट रिलेटेड टू द पॉलिसी. तो ठीक है, डिस्कशन में तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो ठीक है, मार्क कर लो इस चीज को यहाँ पे. अब ऑप्शंस पढ़ लो. इट विल आल्सो एड्रेस वेरियस इश्यूज सच एज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ पे जल्दी से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि इट आल्सो इन्वेसिलाइजेस द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस. थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट एम्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल टू ऑल हाउसहोल्ड्स इन नेक्स्ट 4 years. फोर एंड फिफ्थ क्वेश्चन है both one and two and none of the above. अगेन वी हैड डिस्कस्ड द राइट आंसर वॉज ऑप्शन 3. तो ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी. ऑप्शन 3 हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, चलो कोई अगर डाउट है तो पूछ लो. जो विनर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा. विनर को क्या क्या मिलेगा ये भी नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा. लास्ट वीडियो का जो गुडी का विनर है गौरव, डू सेंड अ मेल विद द स्क्रीनशॉट टू hello@edutab.co.in. विद इन 24 hours वी विल बी रिवर्टिंग बैक टू यू ऑन योर गुडी. राइट, so thank you very much for joining in, signing off. Thank you very much for your lovely comments. Signing off.